हेलो एवरीवन वेलकम टू एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस और आप हैं इस बिल्डिंग मटेरियल्स के मैराथन सेशन में और ये मैराथन सेशन अनफॉर्चुनेटली तीन हिस्सों में बढ़ चुका है दिस वाज टू बी सपोज टू बी कंप्लीटेड इन वन सेशन लेकिन ये अल्टीमेटली थर्ड सेशन में आ चुका है बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड इन कंप्लीट डिटेल इतना डिटेल में चले जाते हैं हम मैराथन सेशन के कि हम सारी ही चीजें कवर अप कर लेते हैं सो so इट टेक्स टाइम और फिर हमारे पास यहां पर आज हम थर्ड सेशन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं यह मैं आपको बता दूं जो लोग ये सेशन देख रहे हैं वो जरूर ध्यान रखेगा पहले दो सेशन हो चुके हैं आपको वो पहले देखने की जरूरत होगी देन यू शुड कम टू दिस पार्ट आज के पार्ट में हम वो कवर अप करने वाले हैं जो लास्ट पार्ट में रिमेनिंग था जो था हमारे पास रॉक्स एंड स्टोन का रिमेनिंग पार्ट ठीक है हमने पार्ट वन में कंप्लीट किया था टिम्बर और ब्रिक वाला पार्ट टू दी सेकेंड पार्ट वॉट वी कंप्लीटेड हमने पार्ट कंप्लीट किया लाइम सीमेंट वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया एंड ऑन टू दी रॉक्स एंड स्टोन्स रॉक्स एंड स्टोन्स पूरा नहीं पड़ा था सो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं रॉक्स एंड स्टोन्स वाला पार्ट देन मूव ऑन टू दी अनादर पार्ट देट इज दी एग्रीगेट इन मूव ऑन टू दी अनादर पार्ट देट इज देंट्स डिस्टेम्पर वॉर्निश हम बात करेंगे आज के टॉपिक में जो कि है बिटोमिन टार एंड एसवाल्ट तो ये जो टॉपिक बचते हैं इन सभी को हम कवर अप करने वाले हैं हेलो दिस इज लाइव यस यस रवि दिस इज लाइव हेलो यस चलिए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सेशन को जितने भी लोग आप लोग इस सेशन को लाइव देख रहे हैं तो जस्ट कीप आस्किंग दूर डाउट अगर कुछ भी लगता है आपको आई विल बी देयर टू आंसर यू और जितने भी लोग इसे कंप्लीट मतलब जो है वो रिकॉर्डेड uh, फॉर्म में देख रहे हैं वेर एवर यू फील डाउट आप इसके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आर टीम विल गेट इन टच विथ यू तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को तो आज का हमारा जो पार्ट है वो है हमने रॉक्स एंड स्टोन के बारे में बात कर ली थी जो कि हमारे पास एक बेसिक क्लासिफिकेशन था आज हम बात करेंगे स्टार्ट करेंगे रॉक्स एंड स्टोन की टेस्टिंग से तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट जब हम बात करते हैं टेस्ट ऑन दी बिल्डिंग स्टोन एक होता है हार्डनेस टेस्ट

तो नंबर वन पर हम आसानी से हमारे फिंगरनेल से स्क्रैच कर सकते हैं अगर मोल्स स्केल नंबर इन टू है मतलब फिंगरनेल से स्क्रैच किया जा सकता है ये आसानी से और ये फिंगरनेल से स्क्रैच किया जा सकता है इफ यू टॉक अबाउट नंबर थ्री, तो यहां पर कहने का मतलब होता है कि हम इसे नाइफ से आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं कौन से मिनरल की बात कर वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनरल टॉक जिप्सम एंड कैल्साइट अगर हम नाइफ से स्क्रेच कर पाते हैं बट नॉट दैट इजीली एज दैट ऑफ कैल्साइट तो वो हमारे पास वो अगला मिनरल होता है फ्लोराइट और उसकी स्केल नंबरिंग होती है चार के बराबर अगर हम नाइफ से स्क्रेच कर पाते हैं बट विद डिफिकल्टी तो उसे एपेटाइट कहा जाता है स्केल इसकी रीडिंग आती है पांच के बराबर ठीक उसी प्रकार अगर हम नाइफ से स्क्रेच नहीं कर पा रहे हैं बट स्क्रेचेस विद द ग्लास विद डिफिकल्टी इसे कहते हैं ऑर्थोक्लेस जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं मिनरल जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ये मिनरल आपको दिखाई दे रहे हैं आर लिटिल बिट मतलब आप स्क्रेच करोगे हो जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो क्रिस्टलाइन नेचर बढ़ते चले जा रहा है इट बिकम डिफिकल्ट टू स्क्रेच तो ऐसे में हमारे पास यहां पर अगर मोज स्केल रीडिंग सेवन के बराबर आती है तो ग्लास से आसानी से जो है वो स्क्रेच हो जाएगा ठीक है मतलब ग्लास से स्क्रेच नहीं होगा ग्लास को आसानी से स्क्रेच कर देगा एथ नंबर पर हमारे पास अब उल्टा प्रभाव पड़ना चालू हुआ है स्क्रेचेज ग्लास वेरी डिफिकल्टी ठीक है सॉरी नॉट डिफिकल्टी इट इज गोइंग टू बी वेरी इजीली वेरी इजीली इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वारेंडम तो कॉरेंडम जो है वो ग्लास

हमारे स्टोन का या मिनरल का हम लश्चर डिफाइन कर सकते हैं मतलब कि उसका शाइनी अपेयरेंस कैसा है अगर हम किसी को भी किसी भी स्टोन को देखेंगे किसी भी रॉक को देखेंगे किसी मिनरल को देखेंगे हर मिनरल का अलग अलग शाइनी अपेयरेंस होता है दैट कैन बी एज ग्लासी लाइट ग्लासी पर्ली मेटेलिक रेजिनस ग्रासी तो जितना ज़्यादा हम ग्रासी तरफ आते चले जाएंगे हमारे पास डलनेस जो है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी हमारे पास एक होता है कलर ऑफ द मिनरल एक होता है स्ट्रिक ऑफ द मिनरल या रॉक तो कलर का मतलब होता है कि वही किस तरह का हमारे पास उसका अपेयरेंस दिखाई पड़ रहा है लेकिन स्ट्रिक का मतलब होता है कि अगर उस पत्थर को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमारे पास तो क्या कलर पड़ता है उसी को कहा जाता है स्ट्रिक एंड अनादर वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे आ, कॉन्क्रीट या कॉन्क्रीट थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है दैट इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव टू थ्री के बराबर थैंक यू सो मच आई एम बिग फैन ऑफ यूर जैन हर्षित सर द वे ऑफ टीचिंग एंड एक्सप्लेनेशन इज सुपर आई स्टडी डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग यूर नेक्स्ट लेवल ओके सो अ बिग थैंक यू रवि जयसवाल बिग थैंक यू फ्रॉम आर फ्रॉम आर कंप्लीट टीम चलिए तो अगला टॉपिक है हमारे पास डिस्कशन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं ठीक है तो स्ट्रक्चर टेस्ट ऑफ द स्टोन एक है एसिड टेस्ट एसिड टेस्ट जब भी हम हमारे स्टोन पर पता हम स्टोन पर अप्लाई करेंगे तो कर, कर, करना क्या होगा हमारे स्टोन को हमें हमारे एसिड के कंटेनर के अंदर डिप करना होगा और यह हमारे पास हमें करने के लिए जो समय चाहिए वो चाहिए तीन दिन का समय और बाहर निकालकर ड्राई करने के बाद हमें इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा एसिड हर चीज को गलाने की क्षमता रखता है इनके जितने भी शार्प एजेस होंगे जो ये शार्प एजेस हैं ये शार्प एजेस जो है क्या हो जाएंगे ये शार्प एजेस कंप्लीटली यहां से हमारे पास खत्म हो जाएंगे अगर एसिड टेस्ट में हमारे स्टोन ने केमिकल अटैक के अगेंस्ट अच्छा रेजिस्टेंस नहीं शो किया तो तो ये जो टेस्ट होता है डन टू चेक रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल और एसिड अटैक या फिर कह सकते हैं वेदरिंग रेजिस्टेंस चेक करता है 100 ग्राम के पत्थर लिए पांच परसेंट डायल्यूट एच सी एल एस टू एसो फोर में इसे डाल दिया और यहां पर हमारे पास तीन दिन तक डिप रखा अगर एजेस इसकी शार्प मिलती है तो हम कहते हैं क्वालिटी अच्छी है स्टोन की ड्यूरेबल रहेगा अगर एजेस एजेस राउंडेड हो हो जाती है, मतलब शार्प हो जाती है है मतलब मतलब शार्प खत्म पुअर क्वालिटी और लेस ड्यूरेबिलिटी को इंडिकेट करता है तो ये क्या ध्यान रखना है आपको यहां पर ध्यान रखना है एसिड टेस्ट होता है आपके केमिकल और एसिड अटैक के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है उसे चेक करने के लिए क्या सर ये सब भी ध्यान रखना है बर दिस कंप्लीट स्टोरी सिर्फ इतना रख लेते तो, तो भी काम चल जाएगा आपके पास यहां पर हमारे जो सैंपल uh, है या स्टोन है उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी है तो यहां पर हमारे पास इंप्यूरिटी टू चेक द इंप्यूरिटी इन दि स्टोन इन दम ऑफ सोल्यूबल मैटर कैसे परफॉर्म करेंगे टेस्ट को आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टोन लिया आपने उसे पानी में डिप करके रखा पीरियड ऑफ थ्री डेज तीन दिन के बाद बाहर निकालो और ऑब्जर्व करो पानी को पानी को ऑब्जर्व करोगे तो पानी को ऑब्जर्व करने के बाद जो पानी है अगर वो क्लाउडी या ग्रेस कलर दिखाई दे तो समझ जाना कि उससे कोई दिक्कत नहीं है वो तो हमारे स्टोन के अंदर का जो सैप होता है उसके कारण बन रहा है सो इफ इट इज क्लाउडी और ग्रेइश गुड एंड ड्यूरेबल स्टोन है लेकिन अगर यह हमारे पास डर्टी ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का पानी हो जाता है इसका मतलब इसके अंदर लंबे समय से कुछ न कुछ ऐसी इंप्यूरिटीज हैं जो इसके फ्रैक्चर्स में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं डिपोजिट कही कही होती चली जा रही है और वो हमारे स्टोन जैसी दिखाई पड़ रही है लेकिन एक्चुअली वो स्टोन है नहीं तो ऐसे में इज डर्टी डार्क ग्रीन और ब्लैक पुअर एंड अर्दी मटेरियल इन दी स्टोन इज इंडिकेटेड अनादर टेस्ट दैट वी हैव इज दी क्रशिंग स्टेंट टेस्ट क्रशिंग स्टेंट टेस्ट का हमेशा मकसद होता है ये पता करना कि ग्रेजुअल लोडिंग के अगेंस्ट हमारा पत्थर कितना रेजिस्टेंस शो कर सकता है जितना ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा उतनी अच्छी सी क्रशिंग स्ट्रेंथ मानी जाएगी तो यहां पर इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग क्या करना पड़ेगा इसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा ग्रेजुअल लोडिंग के लिए तो आपके पास पत्थर का पीस एक रेगुलर शेप में होना चाहिए सो वॉट डू यू डू आप एक रफ क्यूब साइज लेते हो पत्थर की चालीस एमएम बाई चालीस एम एम बाई चालीस एमएम की तीन दिन तक पानी में डिप करके रखते हो बाहर निकालते हो इसे और बाहर निकालने के बाद फिर इसे ड्राई करते हो और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर और नीचे एक पांच एमएम mm की जो है आप प्लाईवुड की एक शीट लगाते हो सो so देवननेस से पत्थर के अंदर वो इससे बैलेंस हो जाएगी और अल्टीमेटली लोड तो पत्थर ही लेगा तो इसका कोई सिग्निफिकेंस रहता नहीं है ज्यादा ग्रेजुअल लोड इज अप्लाइड विद किस रेट से अप्लाई करते हैं ग्रेजुअल लोड तो इट इज इक्वल टू थर्टीन पॉइंट सेवन टू

ओके फाइन ठीक है ठीक है रवि देखो आ, आप एक काम कर सकते हो यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट आर टीम सेवन एट सेवन डबल नाइन थ्री जीरो वन फोर सेवन पर जस्ट कांटेक्ट देम या तो आप चाहो तो आप उनसे बात करते हुए ये बात कर लो कि आई वांट टू टॉक टू हर्षित सर और विजय सर रिगार्डिंग दी कोर्सेज या फिर आप डायरेक्टली काउंसलर की मदद से ही सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं ठीक है थीके? चलिए आगे बात करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन रेंजेस फ्रॉम पंद्रह एमपीए से पंद्रह एमपीए से डेढ़ सौ एम तक अगर स्टोन्स की बात करें तो इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक हर अलग अलग तरह के रॉक की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है जनरली सेडिमेंट्री रॉक की लीस्ट स्ट्रेंथ होती है ठीक है हमारे पास इग्नियस रॉक की हमारे पास हाइएस्ट स्ट्रेंथ होती है और हमारे जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं इनकी हमारे पास इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ होती है जिनमें से अगर बात करें तो ट्रैप अच्छी खासी स्ट्रेंथ के होते हैं एज कंपेयर टू ग्रेनाइट या साइनाइट सैंडस्टोन इज मच मोर देन दिसम स्टोन और वहीं पर नीज स्लेट लेटराइट मार्बल की बात करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ दी स्ट्रेंथ तो ध्यान रखिएगा इन सब की स्ट्रेंथ का ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए सो दैट एग्जाम में हमेशा ये एग्जाम में ये कॉम्बिनेशन आ जाते हैं पूछेगा इनमें से कौन सी स्टोन की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट ठीक है आगे बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट वॉट एपन पत्थर जब बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है या बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है तो इसके जो क्रिस्टलाइजेशन होते हैं जिसके कारण इसकी बॉन्डिंग होती है वो वीक होते चले जाती है और एक समय के बाद <coughs> ये बॉन्ड ब्रेक करने कंडीशन में आ जाते हैं तो इसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन में फेल हो जाना जिसे कहते हैं वीकनेस इन बॉन्डिंग या इसे कहते हैं डिग्री ऑफ डी तो यहां पर हमें यही चेक करना होता है इट इज डन टू चेक द बॉन्डिंग ऑफ द क्रिस्टल्स डिग्री ऑफ डीके तो यहाँ पर इसको डिग्री ऑफ डी को आप यहाँ समझ भी सकते हो कि पत्थर सालों साल जैसे जैसे अपनी बॉन्डिंग को लूज करता चला जाएगा इसके अंदर हमारे पास जो है वो धीरे 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 क्रिस्टल खत्म होते चले जाएंगे बिखरना चालू हो जाएगा और कंडीशन इसी खराब होती चली जाएगी तो क्या करना पड़ता है चालीस एम mm का एक क्यूब लेते हैं टेस्ट सैंपल के लिए और इसको हम जो है वो ओपन एटमोस्फेयर में रखते हैं पानी में डिप करने के बाद तीन दिन के लिए और ऐसे में हमारे पास फिर इसको हम डिप करते हैं हमारे एक सॉल्ट सोल्यूशन में इज ऑफ स्ट्रेंथ फॉर टू आवर्स इतने समय के लिए रखने के बाद हम क्या करते हैं बाहर निकालते हैं और हम इसको हीट करते हैं टेम्परेचर ऑफ हंड्रेड एंड फाइव डिग्री सेल्सियस और ये जो साइकिल है हम इस साइकिल को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं कंटिन्यूसली बार बार सोल्व uh, सोल्यूशन में डिप करना फिर इसको जो हीट करना डिप करना हीट करना डिप करना हीट करना ये साइकिलें चलती रहती है हमारे पास फॉर अ कंप्लीट थर्टी साइकल्स और इतनी साइकल्स हो जाने के बाद हमें ये देखना होता है हमारे इस रॉक के स्ट्रक्चर में स्टोन के पीस में कोई भी हमारे पास चेंजेस नहीं आने चाहिए तो क्या मतलब हुआ इफ देर इज नो डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ वेट इट इंडिकेट वेरी गुड क्रिस्टलाइजेशन और बॉन्डिंग ऑफ द क्रिस्टल्स तो आपको ध्यान का रखना है सिर्फ ये कंडीशन ध्यान रखना है रेस्ट ऑफ दी स्टोरी इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट सर इज इज द लास्ट लेक्चर ऑफ बी एम सी यस बाबाई सपोज दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर आज पूरी कोशिश होगी इसको खत्म करने की दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर अगला है हार्डनेस टेस्ट हार्डनेस टेस्ट में हम चेक करते हैं क्या एबरेशन टेस्ट हम जो है वो इसे एक और नाम से जानते हैं एब्रेशन टेस्ट के नाम से जानते हैं यहां पर रेजिस्टेंस टू वियर एंड टीयर चेक किया जाता है

किस में चेक करेंगे परफॉर्म बाय दूटोन पंचिंग शेयर मशीन या फिर इसके अलावा हम इसको जॉनसन शेयर मशीन टूल से भी जो है वो perform कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कैसे ठीक है में डिटेल में नहीं जा रहे हैं उसमें जरूरत भी नहीं है जरूरत होती तो वी कुड है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में क्या हो पत्थर का सैंपल ले आता और उसको हम एक्सपोज कराते हैं टू दी एटमोसफियर कि इसके अंदर पहले से कोई अगर मॉइस्चर है तो वो सब निकल जाए तो कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है वो हमारे पास 50 ग्राम का स्टोन सैंपल लेते हैं हम इसको हीट करते हैं 105 डिग्री सेल्सियस पे फॉर आवर्स एंड टेक द वेट तो हमारे पास यहां पर हमने इसको हीट कर दिया पूरा ड्राई करा लिया और फिर इसका वजन लेते हैं एंड टेक द वेट एज वन ग्राम फिर हम इसे पानी के अंदर रखते हैं डिस्टिल वाटर के अंदर फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री डेज एंड अगेन वेड एस डब्ल्यू ग्राम तो अब अगर वजन में डिफरेंस आया तो क्यों आया क्योंकि वाटर एब्सॉर्ब हुआ है तो यहां पर हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर कितना निकल कर आएगा तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यूड बाई डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डून इन टू हंड्रेड के बराबर तो परसेंटेज वाटर निकल कर आ जाएगा जिसकी वैल्यू हमारे पास किसी भी कंडीशन में दस परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर हम किसी भी एक अच्छे स्टोन की बात करें सो स्टोन शुड हैव कोई भी स्टोन हो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन 10 परसेंट से ऊपर नहीं होना चाहिए लेकिन इफ आई एम गोइंग टू यूज इट बिल्डिंग्स अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन एग्जाम में दोनों चीजें पूछी जाती है कि स्टोन का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना नहीं होना चाहिए और गुड बिल्डिंग स्टोन का कितना होना चाहिए अगर हम बात करें जितने भी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये सारे के सारे सैंड स्टोन लाइम स्टोन शेल जितने भी हैं

Uh, रमेश आई वुड सजेस्ट यू पहले का लेक्चर इसी चैनल पर आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा इन टू लाइव सेक्शन आपको पता है इस एसी uh, के यूट्यूब चैनल पर आपको जो सेशन मिलते हैं वो रिकॉर्डेड भी मिल रहे होते हैं और लाइव भी मिल रहे होते हैं सो लाइव क्लासेज यूजअली सैटरडे संडे को होती है और रिकॉर्डेड सेशन यूजली मंडे टू फ्राइडे होते हैं सो यू कैन फाइंड इट इन टू लाइव सेशन पहले हुआ है

And and कैसे करेंगे? 50 ग्राम का लिया, इसको हमने के डाल जैसे हम ग्लोबल सोल्ट या पोटेस सोल्यूशन भी कहते हैं तीन दिन के लिए और उसके बाद वॉट इट इज चेक चेंज इन वेट ऑफ देंज क्यों हो रहा है क्योंकि इसके अंदर जो वॉइड होते हैं वहां पर हमारे पास हमारा पानी वहां तक जो हमारा सॉल्ट है वो वहां तक पेनिट्रेट करके उन सारी जगहों पर प्रेजेंट हमारे पास को बाहर कर देता है तो पता चल जाएगा कि हमारे पास चेंज जितना कम होगा उतना बेहतर क्वालिटी का हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस होगा अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन जितना ज्यादा चेंज होगा इसका मतलब हमारे पास वहां पर उतना ही ज्यादा हमारा जो है वो मटेरियल वहां से खत्म हुआ है और वहां पर वॉइड्स क्रिएट हुए हैं सो इंडिकेट लेसर फ्रॉस्ट एक्शन या लेसर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रॉक्स और स्टोन में अगला है हमारे पास जो है वो प्रोसेसेस क्वेरिंग प्रोसेस क्या होती है सीजनिंग प्रोसेस क्या होती है ड्रेसिंग और स्टोन क्या होता है स्टोन और उनके यूजेस क्या होते हैं तो एक एक करके बात करना चालू करते हैं कि हमारे पास जब हम क्वेरिंग की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास जिस भी जगह से हम हमारे स्टोन के ब्लॉक्स निकालते हैं उस पूरी जगह को कहा जाता है क्वेरी साइट

वो भी वहीं पर प्रेजेंट होता है और फिर वहां से हम इन्हें निकालते हैं तो हमें और दूसरी प्रोसेसेस करानी पड़ती हैं जिसमें से इनके अंदर से इंप्यूरिटीज निकाली जाती है इनके अंदर से इनका मॉइस्चर निकाला जाता है सो रब ब्लॉक्स आर इरेग्युलर शेप्ड एंड कंटेन इंप्यूरिटीज एंड मॉइस्चर इन देम इन रब ब्लॉक्स को हम अलग अलग प्रोसेसेस से लेकर गुजरेंगे जहां से इनके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें जो हमारा क्वेरी प्रोस जो क्वेरी साइट है वो क्वेरी साइट मतलब जहां से पत्थरों को निकालने की जरूरत है ये बहुत बड़ी साइट है लेकिन ये बहुत बड़ा इलाका होगा कहाँ से हम निकालेंगे किस तरीके से निकालेंगे ये सिलेक्शन हमारे पास डिपेंड करता है कई सारी तरीकों पर या कई सारे हमारे पास फैक्टर्स के ऊपर किस तरह का पत्थर है उस पत्थर का क्या स्ट्रक्चर है तो जब वहां से निकालेंगे तो किस तरह की प्रोसेस की जा सकती है कि या तो वहां पे ब्लास्टिंग कर दें या छेनी हथौड़े से ही निकालना पड़ेगा या फिर वहां का जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है वो क्या है प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्या है पता चला काट ऐसे रहे हैं काटने की जरूरत ऐसे थी तो पूरा बिखर जा रहा है और गड़बड़ी हो जा रही है तो हमारे पास डिपेंड करेगा रॉक के कंपोजिशन के ऊपर किस तरह का पत्थर है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है प्लेन ऑफ क्लीवेज क्या है प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्या है और इन्हीं सब मेथड की वजह से हम अलग अलग तरह की हमारी एक्सट्रेक्शन प्रोसेसेस पे काम करते हैं जैसे कि हमारे पास एक मेथड है होता है तो वहां पर हम बहुत ही लूज अर्थ मटेरियल को वहां से रिमूव करके पत्थरों को आसानी से वहां से निकाल सकते हैं तो हमारे पास दिस इज द मेथड यूज फॉर रॉक विच आर अबाव दर्थ सरफेस और कवर्ड बाय अ वेरी लूज अर्थ मटेरियल तो आसानी से वो अर्थ मटेरियल हटाकर बचा हुआ जो हमारे पास चट्टान है उसको वहां से निकाला जा सकता है तो उसे कहते हैं मेथड मेथड एक method होती है इज एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग कई सारे पत्थर होते हैं हीट मिलने पर चटक जाते हैं तो चटक जाते हैं इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है लेकिन हमें यही चीज चेक करना है कि अगर हम किसी पत्थर में किसी प, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हीट अप्लाई करेंगे तो वहां से चटक जाएगा और चटक जाएगा मतलब पूरी चट्टान में से वो अलग हो गया तो वो अलग हो गया तो फिर उसको वहां से आसानी से अलग कर लिया जाएगा तो हमारे पास फॉर थिन एंड रेगुलर ब्लॉक्स नीज हो गया या फिर हमारे पास ग्रेनाइट हो गया अगर ये हमारे पास थिन और रेगुलर ब्लॉक्स के रूप में है तो यहां से हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं एक है हमारे पास तरीका वेजिंग प्रोसेस अगर आप देख पा रहे हो यहां पर अगर हमें पता चल जाए कि हमें इस लाइन के अलोंग अलोंग कट लगाने की जरूरत है तो हम वेज और पिन का इस्तेमाल करते हैं वेज और पिन का इस्तेमाल करने से क्या होता है एक लाइन ड्रॉ करते हुए हर जगह हमने छोटे 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 छेद कर दिए और इनके अंदर हमने जो है वो इंसर्ट कर दिया हमारे पास हमारे पिन और पिन के अंदर बीच में वेजेस डाल के हम इनको कंटिन्यूसली हिट करते रहते हैं हमारे हैमर से तो जैसे जैसे हिट करते रहेंगे इस पूरी लाइन के अबाउट एक हमारे पास क्रैक डेवलप हो जाएगा और पत्थर अलग हो जाएगा तो हमारे पास वेज शेप स्टिल अरेन्जमेंट इज यूज एंड क्या होते हैं हो तो इसके अंदर को इंसर्ट करके, दोनों पत्थरों को अलग कर दिया जाएगा हमारे पास लाइम स्टोन लेटराइट मार्बल स्लेट कैन बी क्वेरीड बाई दोसेस इनको आसानी से वेजिंग प्रोसेस से क्वेरीड जो है वो क्वेरी साइड से एक्सट्रक्ट किया जा सकता है अगर हम बात करें यहां पर हमारे पास द अनादर मेथड इज ब्लास्टिंग एंड

हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सप्लोसिव्स एट अ टाइम यूज्ड आर 10 एंड दैट टू इन अ कंसेक्यूटिव ऑपरेशन मतलब क्या होता है इसका जब ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्टिंग करने पर ध्यान ही रखना पड़ता है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव लगा दिए तो पूरा का पूरा साइट हमारे पास कोलैप्स ना कर जाए वरना वो हमारे लिए पूरी तरीके से फेलियर है तो हम छोटी छोटी छोटे छोटे ब्लॉक्स को हम जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं एक बार में दस से ज्यादा हमारे पास जो है वो एक्सप्लोजिव नहीं प्लेस करने होते हैं वो भी कॉन्जर्गेटिव ऑपरेशन में लगाने की जरूरत है द ऑपरेशन ऑफ ब्लास्टिंग इज डन इन फोर स्टेजेस पहले आप छेद करेंगे जिसे कहते हैं बोरिंग फिर उसके अंदर आप बारूद डालेंगे जिसे कहते हैं चार्जिंग फिर बारूद को पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट करेंगे उसे कहते हैं टेम्पिंग और फिर आप उसे जो है वो फायर कर देंगे जिसे कहते हैं फायरिंग तो हमारे पास यहां पर जितने भी वर्टिकल होल करने होते हैं हम उसके लिए ड्रिल मशीन या जंपर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास आसानी से ड्रिल कर सकती है लेकिन जब भी हमारे पास हॉरिजोंटल या इंक्लाइंड होल करने होते हैं तो बोरिंग बार्स का इस्तेमाल करना पड़ता है विच आर बेसिकली लेस बल्कियर देन दिस वन और हमारे पास टैंपिंग रॉड हियर इज बेसिकली कॉल्ड एज डिपर इसे डिपर कहते हैं कि जो पूरे पूरे के पूरे बारूद को अंदर तक जो है वो आसानी से डिप करा सके हमारे पास उसे डिपर कहा जाता है पी डी एफ मिलेगा टेलीग्राम ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहा है ठीक uh, है रमेश आई uh, अगेन मैं आप लोग आपको फिर से एक बार और इंडिकेशन देता हूं जस्ट कॉल इट दिस नंबर सेवन एट सेवन डबल नाइन थ्री ज़ीरो वन फोर सेवन एंड जो भी आपकी क्वेरी है जस्ट आज देम कि मुझे ये समस्या आ रही है हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सर प्लीज़ प्रोवाइड द लेक्चर पी डी एफ एज सुन एज पॉसिबल हाँ लेक्चर एंड ओके ये तो मिल जाएगा आपको ये मिल जाएगा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है एनी अदर डाउट दैट यू हैव चलिए अगला है टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव अलग अलग तरह के एक्सप्लोजिव होते हैं कई बार आपने देखा होगा एक्सप्लोसिव ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी आ, हमारे पास चाहे वो रॉक की साइट हो या आ, हमारे पास कोई बिल्डिंग हो उसे पूरा छार छार कर देते हैं बिखेर देते हैं कुछ ऐसे हमारे पास होते हैं जो ब्लास्ट होते हैं जमीन के अंदर लगाए जाते हैं जैसे ब्लास्ट होते हैं वहां की जमीन ऊपर उठती है एक की पावर होती है शटरिंग पावर एक होती है हमारे पास जो है वो लिफ्टिंग पावर तो हमारे पास ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर की बात करते हैं तो इसके पास जो है वो लिफ्टिंग पावर अच्छी खासी होती है लेकिन इसके पास शटरिंग पावर अच्छी नहीं होती शटरिंग मतलब पूरा छार छार कर देना तो इसलिए हमारे पास इसे हम लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन के लिए जो है वो यूज कर लेते हैं छोटे में यूज कर लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो किसी पर्पस का नहीं रहेगा कैसे बनता है ये सोल्ट पीटर प्लस सल्फर प्लस चारकोल से मिलकर बनेगा हमारे पास ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर एक होता है ब्लास्टिंग कॉटन या गन कॉटन ब्लास्टिंग कॉटन या गन कॉटन यहां पर हमारे पास इट इज लेस लिफ्टिंग पावर बट ग्रेट शेटरिंग इफेक्ट तो अगर एग्रीगेट के हमें रिक्वायरमेंट हो या किसी बिल्डिंग को डहाना हो तो हम इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं कैसे बनेगा ये कॉटन इज विद सैचुटेड नाइट्रिक एसिड तो ये बन जाता है ब्लास्टिंग कॉटन या गन कॉटन ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं आजकल एग्जामों में ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है यहां पर हमारे पास डायनामाइट की बात करें तो डायनामाइट हो गया कॉर्डाइट हो गया या फिर जिलेटिन डायनामाइट हो गया ये सब के सब हमारे पास चाहे ब्लास्टिंग कॉटन हो गन पाउडर हो एनी ऑफ द मटेरियल दैट वी हैव आर ऑल इन डिफरेंट डिफरेंट तो अगर हमें अगर यूज करना हो छोटी क्वेरी साइट्स पर तो हम डायनामाइट का इस् कर सकते हैं जो कि नाइट्रोग्लिसरीन प्लस अर्थ अर्थसेड मतलब जो हमारे पास एग्रीगेट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे पास ग्रेवल पार्टिकल्स होते हैं उनसे बन जाता है इट इज पावरफुल एक्सप्लोजिव किसकी नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से जनरली यूज इन स्मॉल क्वेरी साइट अच्छा खासा इफेक्ट जनरेट करता है तो पूरे पूरी क्वेरी साइट को जो है वो एक साथ डिमोलिश कर सकता है कोडाइट जो है वो हमारे पास जनरली यूज होता है अंडर वाटर कंडीशन में जनरली यूज फॉर द अंडर वाटर एक्सप्लोजन कैसे बनेगा फ्रॉम दी जिलेटनाइज नाइट्रोग्लीसरिन एंड दी नाइट्रोसेलोज ठीक है वहीं पर अगर हम बात करें जिलेटिन डायनामाइट की तो जिलेटिन डायनामाइट भी हमारे पास जो है वो अंडर वॉटर कंडीशन में यूज हो जाता है फॉर दीपेल्स कैसे बनेगा जिलेटिन प्लस दाइट्रेट ऑफ दोटैश ठीक है चलिए आगे बात करते अनादर वन दैट इज अ रॉक अ रॉक एंड लिथोफ्रैक्टर तो रॉक एंड लिथोफ्रैक्टर बोथ आर सेम टाइप ऑफ हमारे पास एक्सप्लोज एक्सप्लोजिव है ठीक है ये हमारे पास है अच्छा है, अच्छा मतलब heavier, heavier हमारे पास पास यूज होता है 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 जो कि बहुत बहुत अच्छा अच्छा मतलब कैसे बनेगा पोटेशियम क्लोरेट एंड इज मिक्स विद्रोबेजॉइल ठीक है वहीं पर हमारे पास लिथोफ्रेक्टर होता है इट इज द मोस्ट वाइडली यूज फॉर टनल एक्सप्लोजन ये अपने आप में एक सबसे अलग तरह का एक्सप्लोसिव मटेरियल हमारे पास बनता है सर so, एडमिक्सर टॉपिक कवर होगा इस सी, इस, इस आ, सेशन में बाबा इस एडमिक्सर का टॉपिक जो है वो हमें कवर करने की जरूरत है अलोंग विथ कंक्रीट। तो एक आ, एक अलग से ही आपका पूरा मैराथन सेशन आएगा जिसमें कि हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक अलग ही सेशन रहेगा उसमें एडमिक्सर पे भी बात होगी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं सीजनिंग ऑफ द स्टोन सिंपल सा फंडा है जब भी हम हमारे स्टोन का इंप्रूवमेंट कराते हैं तो दी मॉइस्चर रिमूवल या तो रिमूवल तो वो हमारे पास प्रोसेसेस के रूप में आते हैं एक प्रोसेस है पर को जाता है और ऐसा होता है स्ट्रिपिंग जहां पर एक्सेस इंप्यूरिटीज को रिमूव कराया जाता है तो रफ ब्लॉक ऑप्टेन फ्रॉम दी क्वेरी साइडेंट सम्यूरिटीज तो हमारे पास रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटी फ्रॉम दर्फेस ऑफ रॉफ रफ ब्लॉक इज नोन एज सीजनिंग कहा जाता है इसको और अगर हमें उल्टा लिख दिया ना मैंने अगर इंप्यूरिटी हटाना है सरफेस से तो इसे कहते हैं स्ट्रिपिंग। और अगर हमें मॉइस्चर हटाना है रफ ब्लॉक में से तो इसे कहते हैं सीजनिंग ठीक है चलिए तो हमारे पास द अवेलेबल नेचुरल मॉइस्चर इन द स्टोन किसी स्टोन को फोड़ने पर अंदर वो एक अलग ही ठंडापन महसूस होगा वो किसके से उसके अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर की वजह से है एंड इज क्वाइट विस्कस देन क्वाइटर एंड इज नोन एज इसे कहते है, query sap. Query sap कहते हैं हैं क्वेरी क्वेरी जब भी हमारे पास सीजनिंग की बात आएगी सीजनिंग क्यों करना चाहते हैं सीजनिंग हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास हमें पत्थर को लंबे समय तक यूज करना है ड्यूरेबिलिटी अच्छी चाहिए स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए अगर वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में रहा तो थोड़ा वीक रहेगा क्रिस्टलाइजेशन अफेक्ट होना चालू होता है बॉन्डिंग अफेक्ट होना चालू होती है तो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा चाहिए स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए हार्डनेस ज्यादा चाहिए वेट कम चाहिए सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिकम्स लेस इसी पर्पस के लिए सीजनिंग कराई जाती है आजकल ध्यान रखिएगा सवाल ऐसे ही बन रहे हैं सवाल ऐसे ही बन रहे हैं बहुत छुपी छुपी जगहों से सवाल उठकर आ जाते हैं सो so, अगर मेरे पढ़ाते पढ़ाते अगर आपको लग रहा है कि आप कोई ऐसे इंफॉर्मेशन पुट अप करना चाहते हैं जो मैं यहां पर नहीं कवर अप किया हूं बट हां आपने कही कहीं ना कहीं पढ़ी है जस्ट कीप राइटिंग दैट इंफॉर्मेशन तो ताकि क्या होगा यू आर कंप्लीटली फोकसड इन दी लेक्चर आप बताते भी चले जा रहे हैं सुनते भी चले जा रहे हैं पढ़ते भी चले जा रहे हैं तो ऐसे जो है वो हमारे पास सेशन जो है वो ज्यादा इंटरेक्टिव बन जाएगा अगर हम बात करते हैं फॉर सीजिंग द स्टोन आर जनरली केप्ट इन ओपन स्पेस फॉर अ पीरियड ऑफ आठ से बारह महीने तक सो so ये एक सिर्फ जानकारी आपको पता होनी चाहिए वॉटर कंटेंट स्टोन आर डिफरेंट तो हमारे स्टोन के अंदर जो ऑलरेडी वाटर एब्जॉर्ब वाटर प्रेजेंट है वो एक अलग चीज है और पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो एक अलग चीज है तो हमारे पास यहां पर बात ध्यान रखिएगा मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन इज वन परसेंट मॉइस्चर कंटेंट अलग चीज होती है और वाटर एब्जॉर्बशन कैपेसिटी अलग चीज होती है तो फॉर अ गुड बिल्डिंग स्टोन वाटर एब्सॉर्बन की जो हमारे पास कैपेसिटी है वो पांच परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कंटेंट किसी गुड बिल्डिंग स्टोन के अंदर पहले से एक परसेंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए आगे बात करते हैं अगला है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन किसी भी स्टोन को रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहा जाता है ड्रेसिंग हम अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं जहां पर हमारे पास उन पत्थरों का यूज होना है उसे कहते हैं साइड ड्रेसिंग जहां पर इन पत्थरों को चट्टान में से निकाला गया उसे कहते हैं क्वेरी ड्रेसिंग तो क्वेरी जहां पे निकाला है वहीं पे मैं ड्रेसिंग कर रहे हैं तो भाई हमारे पास काफी सस्ती पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन में मॉइस्टर जो है वो निकल चुका होगा तो सस्ता पड़ जाएगा तो डन एट द्वेरी साइट इजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट ड्यू टू रिडक्शन इन रिडक्शन इन दी वेट लेकिन इसका एक दिक्कत है क्या यहां पर हमारे पास जो हमारा स्टोन होता है ये स्टोन पहले से ही सीजन होके आता है फिर हमें हमारी क्वेरी साइट पर जब इसको हम फर्दर कट कर सॉरी हमारी साइट पर हम जब इसे कट करते हैं तो उसके अंदर का जो सरफेस है वो अब एक्सपोज होता है तो वहां का मॉइस्चर तो रिमूव नहीं हो पाया अन रिमूवल जनरली देखने को मिलता है इन दिस केस साइड ड्रेसिंग पे क्या होता है कि हमारे पास यहां पर हम जो है वो क्या करते हैं हमारी साइड ड्रेसिंग पर साइट पे हमारा पत्थर आ जाने के बाद हम अब इसमें ड्रेसिंग करना चालू करते हैं शेप एंड साइज देना चालू करते हैं तो हमारे पास इट इज इजियर टू कन्वर्ट इन द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज क्योंकि जो काम हम साइट पे पहले या क्वेरी साइट पर पहले ही कर चुके हैं अब जब वो हमारे पास आएगा तो हमारे पास आने के बाद अब उसमें कुछ शेप एंड साइज में चेंजेस चाहिए तो वो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी होकर आया है तो यहां पर हमारे पास अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता तो है लेकिन उसमें तो नामों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है एक वेज है एक पिन है एक हैमर है ये तीन तो ध्यान रखने की जरूरत है क्वेरी साइट में और क्या यूज होगा तो आपके पास बोरिंग मशीन यूज हो जाएगी ताकि आपको छेद करना पड़े उसमें आ, बारूद डालने के लिए ड्रिल इस्तेमाल होगा डीपर जो है वो टेंपिंग बार के रूप में यूज होगा प्राइमिंग नीडल जो है वो आपके पास आपके उस पूरे एक्सट्रीम एंड तक पहुंच जाएगी एक्सट्रीम एंड तक पहुंच जाएगी सो दैट आपका पूरा का पूरा जो है वो बारूद वो पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाए जंपर जो है वो आपके पास अगेन द दे सेम ड्रिल आपके क्रो बार जो <laughs> जो होता है पत्थरों को कहीं से एक्सेट कर लेने के बाद उन्हें अलग करने के लिए क्रोबार का इस्तेमाल करते हैं चिजल तो लेकिन जब हम ड्रेसिंग करते हैं तो ड्रेसिंग में हमें तो शेप एंड साइज देना है तो कई तरह की छेनिया कई तरह की हथोड़ियां यूज होती है आप जरा ध्यान रख लो वहां पर हैमर का खाद एक नाम लिखा हुआ है, हैमर यहां हैमर का टाइप है मैश हैमर फेस हैमर मैसन हैमर ठीक है स्पेलिंग हैमर स्केबिंग हैमर तो ये अलग अलग तरह है के हैमर के जैसे ही नाम आएंगे समझ जाना वो कटिंग और ड्रेसिंग के लिए काम में आते हैं इसके बाद आपको ध्यान नहीं रखना है कि आपके पास चिजल कई प्रकार की है वहां पर चीजल का नाम लिखा ही नहीं है यहां पर चिजल नाम लिखा हुआ है तो चाहे ड्राफ्टिंग चीजल बात करो पॉइंट चीजल बात करो पंच चीजल क्रो चीजल या सॉफ्ट स्टोन चीजल या प्लेन चीजल जितने भी तरह की चीजल होगी वो सब कहां कहा काम आएगी कटिंग या ड्रेसिंग ऑफ स्टोन में काम आएंगी तो ध्यान रखिएगा डिफरेंसेज है डायरेक्ट नाम आ जाते हैं आपको पता होना चाहिए अनदर वन इज प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ब्लीडिंग प्लेन क्या होता है प्लेन ऑफ क्लीवेज क्या होता है और नेचुरल बेड ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है तो यहां पर आपको ध्यान ही रखने की जरूरत है कि जिसके अबाउट हमारे पास एक ऐसा प्लेन जिसके अबाउट हमारा पूरा पत्थर बना है फॉर्मेशन हुआ है उसका समय के साथ उसी को कहते हैं हमारे पास प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन या प्लेन ऑफ दी बेडिंग जिस प्लेन के अबाउट पत्थर को आसानी से काटा जा सकता है उसे कहते हैं प्लेन ऑफ क्लीवेज इट इज प्लेन अबाउट विच द रॉक कैन बी स्प्लिट और हमारा पत्थर इसके फॉर्मेशन के दौरान किस प्लेन में हमारे पास बना और क्या उसी प्लेन के अबाउट इसे काटा जा सकता है तो हमारे पास इट इज द ऑरिजिनल बेड या प्लेन या पोजिशन ऑक्युपाइड बाई स्टोन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन और यही हमारे पास अगर देखे अलग अलग स्टोन में इग्नियस रॉक्स आर नॉट जस्टिफाइबल फॉर प्लेन ऑफ क्लीवेज एंड नेचुरल बेड फॉर्मेशन क्योंकि हमारे पास कोई नेचुरल बेड ऑफ फॉर्मेशन प्लेन ऑफ क्लीवेज कुछ भी नहीं होता हाँ हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस होती है किसके अंदर हमारे मेटामोर्फिक और हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर तो ध्यान दीजिएगा इन मेटामॉर्फिक रॉक्स प्लेन ऑफ क्लीवेज और नेचुरल बेड ऑफ फॉर्मेशन दोनों सेम होते हैं क्योंकि जिस बेड के अबाउट इसके जो मिनरल्स है उनका फॉर्मेशन होता है उसी के अबाउट इसे आसानी से कट भी किया जा सकता है सेटिमेंट्री रॉक में प्लेन ऑफ क्लीवेज प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एंड नेचुरल बेड ऑफ फॉर्मेशन ये सब एक होते हैं क्योंकि ये लेयर के फॉर्म में बनते चले जाते हैं तो लेयर के फॉर्म बन रहे तो वही उसी के अबाउट फॉर्मेशन है उसी के अबाउट इसे काटा जा सकता है और उसी के इसे सेपरेट किया जा सकता है तो वही बनते हैं सारी चीजें एक जैसी जब भी हमारे पास कोई जो इनका प्लेन ऑफ क्लीवेज होता है अगर वहां पर लोड डालेंगे तो लोड डालने पर किसी एक सेक्शन पर लोड आ गया किसी एक पे नहीं आया तो तुरंत वहां से सेपरेट हो जाएगा तो जब भी हमें लोड डालना होता है तो इनका जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड डालेंगे तो इनका सेपरेशन होगा नहीं तो ध्यान रखिएगा वी शुड ऑलवेज प्लेस आर स्टोन सच दैट द प्लेन ऑफ क्लीवेज इज परपेंडिकुलर टू लोड इन स्ट्रक्चर तो जब वर्टिकल तरीके से रखा हुआ है तो आपके पास अगर मान लो कि ये आपका बेड ऑफ या ये आपका प्लेन ऑफ क्लीवेज है तो लोड जैसे आएगा ये पत्थर यहां सेपरेट हो जाएगा खेल खत्म हो जाएगा तो आपको ध्यान क्या रखना है आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके पास यहां पर ये जो तरीका है अगर ये ऐसे रखा होता तो अब चाहे वो कैसे भी रखा हुआ हो लोड आएगा ये सेपरेट नहीं होगी क्योंकि इनका प्लेन कौन सा ये वाला है क्लीवेज का क्लियर है बात इतनी चलिए आगे बढ़ते हैं कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन यूजेज ऑफ स्टोन कितने अलग अलग तरह के स्टोन का क्या क्या यूज है हमारे पास तो अगला है प्लेन ऑफ क्लीवेज रिपीटेडली ठीक है ठीक है राहुल देर इज अश्यू कि आपके पास जो इशू है वो इशू का मतलब क्या है कि आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है समझ नहीं पाते एग्जामिनर पूछ क्या रहा है इसका सिंपल सा डिफरेंस है कि आप जो अपने नोट्स पढ़ते हैं वो आप पढ़ तो लेते हैं पढ़ते टाइम व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज आपको पता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्या लिखा हुआ है और वो मुझे ध्यान मुझे याद भी आ रहा है मुझे समझ भी आ रहा है सब कुछ आ रहा है और आप सोचते हो कि आपका रिविजन हो गया जब क्वेश्चन लगाने जाते हो तो वॉट डू यू थिंक इज कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? नहीं आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसमें से उतनी ही इंफॉर्मेशन आप उठा पाते हो जितनी कि आपका ब्रेन उसे समझ पाता है बाकी की इंफॉर्मेशन को आपका दिमाग जो है वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा क्यों क्योंकि आपने उतने ज़्यादा फोकस से चीज़ों को रिवाइज ही नहीं किया जब आप रिवाइज करते हो पढ़ रहे होते हो अगर आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली घूम रहा है कि स्ट्रेसेस भी है मतलब बहुत सारा वर्कलोड है प्रेशर है घर से भी दिक्कतें हैं फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं लंबा समय का तैयारी करते हुए एग्जाम का जो है वो आ, कोई भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है ऐसी सिचुएशन में आपका दिमाग फोकस नहीं है तो जो सवाल आपको लग रहा है कि मुझे आता भी आता भी हुआ था आप उसको पूरी तरह पढ़ ही नहीं पाए क्यों क्योंकि जितने टाइम में आप पूरे टाइम पूरा पढ़ने की कोशिश करते हो उतने टाइम पीरियड में कोई ना कोई एक मेमोरी फ्लैशबैक हो जाती है और आपका सवाल गलत हो जाता है तो गलत क्यों रहे उसके लिए आपको सोचने की थोड़ी सी और जरूरत है लेकिन हाँ कंटिन्यूसली अगर सही तरीके से रिवाइज करते चले जाओगे तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ मच मोर बेटर वे तो अगला हम बात करना चालू करते हैं कि कितने अलग अलग तरह के हमारे पास डिफरेंट स्टोन है लेटेस्ट टॉक अबाउट वेरी फर्स्ट वन ग्रेनाइट ग्रेनाइट के बारे में आपको ये पता है कि आपके पास ये एक इग्नियस रॉक है और ये बहुत ज्यादा गहराई पर पाया जाता है स्ट्रेंथ इसकी अच्छी खासी होती है चूंकि हमारे पास बहुत ज्यादा गहराई पर बनता है इट इज वेरी मच डेंस डेंस होता है तो स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी निकल कर आती है पोरोसिटी कम होगी वेरी डेंस होगा पोरोसिटी कम है डेंस ज्यादा होगी तो वॉटर की परमेबिलिटी इसके थ्रू बिल्कुल भी नहीं होगी ना एक्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा तो किचन की स्लैब के रूप में इसका यूज करना बहुत आसान होता है बहुत अच्छा भी होता है तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें कि स्क्रैच प्रूफ भी है स्टेन रेजिस्टेंस भी है वाटर प्रूफ भी है तो हमारे पास जनरल यूज फॉर हैवी इंजीनियरिंग वर्क लाइक ब्रिजेस अपार्टमेंट्स पियर्स किचन स्लैब या फिर ऑर्नामेंटल वर्क में क्लियर है बात इतनी आगे बात करते हैं अ वेरी गुड इवनिंग नवीन तो हमारे पास अगला है साइनाइट ये पूरी तरह ग्रेनाइट के जैसा ही है अंतर बस इतना सा है कि ये हमारा जो पत्थर है इसका अपियरेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है ठीक है हमारे पास अपियरेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है अच्छा अपियरेंस नहीं होने की वजह से जो इसके ग्रेनाइट के यूजेज हैं ऑर्नामेंटल वर्क हो गया किचन स्लैब हो गया उनमें नहीं काम आता हां अच्छी स्ट्रेंथ की वजह से हमारे रोड वर्क में काम आ जाता है वाटर एब्जॉर्प्शन काफी कम है हार्ड और स्ट्रॉग है और कैन बी यूज फॉर द वर्क अनादर वन इज रेफर्ड दीज तो नीज एक मेटामोफिक रॉक है

और बहुत अच्छा होता है तो इस केस इस केस में हम इसको जो है वो फ्लोरिंग या रूफिंग के केस में बढ़िया तरीके से काम में ले सकते हैं और चूंकि हमारे पास ये पासामोरफिक रॉक है वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होगा वाटर आसानी से पास नहीं होगा इसके थ्रू तो डीपीसी वर्क में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर लिया जाता है प्रोड्यूस वेरी हाई वाटर रेजिस्टेंस ये इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ठीक है अनादर वन इज मार्बल अब मार्बल के बारे में आप सब लोगों को बहुत सारी बातें ऑलरेडी पता है मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है तो मार्बल के बारे में आप क्या समझ सकते हो हमारे पास एक ऐसा पत्थर जो अपेरेंस वाइज बहुत अच्छा है और जो हमारे पास लंबे समय तक वही सेम अपेयरेंस प्रोड्यूस कर सकता है बट इसकी दिक्कतें भी हैं कुछ और वो दिक्कतें हैं कि बहुत जल्दी एसिड अटैक में हमारे पास जो है वो खराब हो सकता है हमारे इसके क्रिस्टल जो है वो एसिड अटैक से बहुत जल्दी खराब होना चालू होते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक होता है स्ट्रेंथ वाइज तो ज्यादा अच्छा है नहीं वेरी रिएक्टिव टू एसिड है टेक्सचर अच्छा है अपीयरेंस अच्छा है ऑर्नामेंटल वर्क और फ्लोरिंग वर्क में काम में ले लेते हैं लेकिन रिएक्टिविटी अगेंस्ट द देश वजह से जो एसिड रेन होती है उससे हमारा ताजमहल का जो संग मरबर है जो मतलब हमारे पास मार्बल है वो खराब होते चले जा रहा है अनादर वन दैट इज द लाइमस्टोन अब लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन हमारे पास जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा रखता है तो डीपीसी के कामों में जो लोअर जो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर होता है वहां की फ्लोरिंग वर्क में लेटराइट का हम कभी भी यूज नहीं करते सॉरी लाइफसोन का हम कभी भी यूज नहीं करते सेटिमेंट्री है स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा खास है नहीं तो हमारे पास यहां पर रूफिंग और फ्लोरिंग मटेरियल के रूप में काम में लिया जा सकता है टफ है ड्यूरेबल है हार्ड नहीं है टफ है और ड्यूरेबल है कैन बी कट इजिली मीन्स इट इज सॉफ्टर है सॉफ्टर है मतलब हमारे पास हार्ड नहीं होगा यूज इन मेकिंग सीमेंट एंड लाइन ये इसकी एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी है जो कि स्टोन की यूजेज से बाहर हो जाती है सर एक वीडियो में सारा कंप्लीट होगा विष्णुकांत ये ऑलरेडी थर्ड वीडियो है पहले के दो वीडियो भी आपको देखने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको कंप्लीट बी एम सी रिवाइज करने की जरूरत है तो।, तो आगे बात करते हैं क्वाडजाइड सो so, क्वाडजाइट इज अगनादर हमारे पास मेटामोर्फिक रॉक क्वाडजाइड की प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है

तो हमारे पास बहुत अच्छी इनकी स्ट्रेंथ निकलकर आती है इग्नियस का वॉल्के रॉक की कैटेगरी में आता है हमारे पास कहां पर होता है? आकर होता है हमारे सरफेस पर ब्लास्ट <coughs> हमारे पास अगली प्रॉपर्टी बात करते हैं सैंडस्टोन को जनरली आर्चेस के रूप में यूज कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास जिस प्लेन के अबाउट कट होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपेयरेंस अच्छा आता है तो आर्चेस में इसका यूज कर लेते हैं और हमारा लोड भी जो है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है जो सैंडस्टोन होते 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 हैं हैं लाइमस्टोन डोलोमाइट हैं ये वॉल पार्टीशन में अच्छे से काम आते हैं क्योंकि पोरस होते हैं तो इनकी वजह से मॉटर्न इनके थ्रू पास होने की टेंडेंसी होती है तो चाहे रूफिंग में लगाओ या चाहे इनको फ्लोरिंग में लगाओ इनके साथ हमेशा रिस्क बनी रहती है जनरली मोस्ट बिल्डिंग स्टोन जो है वो ग्रेनाइट या मार्बल से ही बनते हैं मार्बल जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अपीयरेंस ग्रेनाइट फॉर द पर्पस ऑफ द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी येलो एंड रेड कलर दीनामेंटल पहले लेक्चर में हुआ था अगला है हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल स्टोन तो आर्टिफिशल स्टोन क्या है वो हम बनाते हैं हम बनाते हैं फॉर दिफरेंट डिफरेंट पर अगर डेकोरेटिव फ्लोरिंग करनी होती है तो हम सोडा सिलिकेट में सीमेंट मिलाकर जो पत्थर बनाते हैं उसे रैनसम स्टोन कहते हैं हमारे पास दो तरह के पत्थर होते हैं विक्टोरिया स्टोन स्टोन या दोनों कैसे बनाते हैं जो हमारे ग्रेनाइट के पीसेस होते हैं टुकड़े होते हैं इनके हार्ड एंड सर्फेस को हम जो है वो पॉलिश करके पत्थर बनाने की कोशिश करते हैं दैट इज बीइंग एज दी बिटुमिन स्टोन और दी विक्टोरिया स्टोन स्टोन एक होता है बिटुमिनस जब भी हमें हमारे स्टोन का अच्छा खासा डस्ट रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो ग्रेनाइट विद दाइट स्टोन कोटेड विथ टार एंड एज डस्ट रेजिस्टेंट स्टोन तो वो कहलाता है बिटुमिनस स्टोन अगला है हमारे पास गार्लिक स्टोन जब भी हमारे पास जो हमारा आयरन ओर होता है उससे जब हम हमारे पास इंप्यूरिटीज निकाल लेते हैं बाहर उन इंप्यूरिटीज में से जो आयरन स्लैग जो इंप्यूरिटी हमारे पास इसी को मिक्स करते हैं सीमेंट के साथ टू मेक गार्लिक स्टोन और इस तरह से इस तरह से कुछ आपको दिखाई देता है स्ट्रेंथ जो है वो सीमेंट के जैसी होती है तो हमारे लिए उम्र भी इसकी ज्यादा अच्छी निकल कर आती है सो दिस ऑल अबाउट दी रॉक्स एंड अगला हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एग्रीगेट तो एग्रीगेट हमारे पास क्या है अगर एग्रीगेट की बात करें तो इफ यू सी आपको ये जितने भी यहां पर इमेजेस दिखाई दे रही हैं, ये सारी इमेजेस क्या बताती हैं? कुछ बड़े पीसेस कुछ छोटे पीसेस पत्थर के इन एनी ऑफ दी फॉर्म ये सब क्या कहला रहे हैं आपके लिए एग्रीगेट कहला रहे हैं तो जो क्रच स्टोन होता है आपके पास उसी को एग्रीगेट कहा जाता है और इनको मिलाया जाता है सीमेंट कॉन्क्रीट मोर्टार में सीमेंट कॉन्क्रीट में या फिर मोर्टार में हम इनको यूज करते हैं हमारे मोर्टार और कॉन्क्रीट को प्रिपेयर करने के लिए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज है और प्रॉपर्टी क्या है इनकी इनकी वजह से हमारे पास हमारे सीमेंट कॉन्क्रीट का या मोर्टार का सेटिंग प्रोसेस बहुत बढ़िया तरीके से अफेक्ट होता है इसके अलावा ये हमारे पास हमारे चाहे वो सीमेंट कॉन्क्रीट की बात कर लो या चाहे फिर आप मोर्टार की बात कर लो तो सीमेंट कॉन्क्रीट हो या फिर मोर्टार हो इनके द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी वर्केबिलिटी ये सारी प्रॉपर्टी इंड्यूस करते हैं सो इनकी वजह से हम इनको बहुत ज्यादा वाइड वेराइटी ऑफ केसेस में यूज करवा पाते हैं अगर हम बात करें एग्रीगेट को इनकी साइज के बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है एस फाइन एग्रीगेट फाइन so, एग्रीगेट हमारे पास 75 माइक्रोमीटर से आप इसे 4.75 पॉइंट सेवन की साइज के अंदर लेते हो तो विल बी फाइन एग्रीगेट और अगर आप इसे 4.75 से 4.75 पॉइंट mm से अगर आप इसे लेकर जाते हो अप टू द रेंज ऑफ 75 फाइव mm, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा हमारा कोर्स एग्रीगेट देन विल हैव दी कैटेगरी ऑफ हमारे हमारे पास पास हो हो जाएगा हो जाएंगे एग्रीगेट जिनको हम कहते हैं इस रेंज से ऊपर जाएंगे तो ऐसे में हमारे पास अगर हम बात करें फाइन एग्रीगेट की तो सैंड सुर्खिया स्टोन ब्लास्ट ये सब फाइन एग्रीगेट में आते हैं और इनकी वजह से प्रॉपर्टी क्या होती है जितना भी हमारे पास स्पेस होता है उस स्पेस को आसानी से फिल करने में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वॉल्यूम में काम देते हैं मतलब वॉल्यूम बढ़ाने में काम देते हैं बल्किनेस में काम देते हैं प्लास्टिसिटी अच्छी देते हैं इनकी प्रॉपर्टी है बहुत बढ़िया सी इनकी वजह से हमारे पास स्ट्रेंथ अच्छी आती है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर सो दे इम्पार्ट दी स्ट्रेंथ टू दीट मिक्स आर जनरली ऑफ द बिगर साइज इन्हें हम कंक्रीट और मोर्टार दोनों में इस्तेमाल करते हैं इन्हें सिर्फ कंक्रीट बनाने में काम में लिया जाता है फोर पॉइंट सेवन फाइव टू एम एम बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है। आगे बात करते हैं। हमारे पास जो साइज स्पेसिफिकेशन है कोर्स एग्रीगेट का अकॉर्डिंग टू द कोड तो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड नॉट बी ग्रेटर ट बी ग्रेटर देन दी मिनिमम थिकनेस ऑफ दी मेंबर तो जो भी हमारे पास मेंबर है चाहे वो जो वो क्यूबर्ट शेप में मेंबर हो हमारे पास किसी भी शेप में हो जो भी उसका मिनिमम थिकनेस है मेंबर का उससे बड़ी साइज का कोर्स एग्रीगेट नहीं होना चाहिए पहली चीज ये और अगर हम बात करें हमारे पास फॉर दर आरसीसी वर्क तो आरसीसी वर्क में कोई भी आरसीसी वर्क आप लेके चलो तो जैसे किसी आरसीसी वर्क को आप उठाकर देखोगे सो व्हाट आर यू गोइंग टू ऑब्जर्व इज कि भाई हमारे पास यहां पर हमने कॉलम बनाया तो कॉलम में हमारे पास ये तो हो जाता है हमारा जो है वो क्लियर कवर और ये है हमारे पास जो है वो हमारी क्लियर स्पेसिंग

जो कि यहां दिखाई दे रहा है तो ऐसे में हमारे पास हम 40 से 75 एमएम कोर्स एग्रीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जब भी हमारे पास थोड़ा हेवियर फाउंडेशन वाला काम होगा तो उस केस में हम 40 एमएम mm तक के कोर्स एग्रीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैक्सिमम साइज की बात चल रही है इफ यू टॉक अबाउट दी इन दी स्ट्रक्चरल मेंबर्स तो जैसे कि आपको यहां दिखाई दे रहा है दीज आर बेसिकली दी स्ट्रक्चरल मेंबर्स कहीं पे कॉलम कहीं पे बीम की बात चल रही है इन केसेस में हमारे पास बीस ऑफ कोर्स एग्रीगेट कैन बी यूज लेकिन जैसे ही सेक्शन पतला हो जाएगा जस्ट लाइक अ स्लैब तो फिर हम साइज रिड्यूस कर देंगे दस से बीस mm हमारे पास जो कोर्स एग्रीगेट होता है ये बल्किनेस तो इंपार्ट करता ही करता है हमारे कॉन्क्रीट में दे ऑल्सो इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू अ वेरी लार्जर वॉल्यूम ठीक है अगली बात करते हैं हमारे पास जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं

इन राउंडेड एग्रीगेट में क्या होता है जो परफेक्टली की जैसे होता है कलर कॉबल एंड बोल्डर यूज कर सकते हैं uh, रमेश कॉबल एंड बोल्डर यूज नहीं कर सकते इन द केस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉन्क्रीट बट यस इन केस ऑफ द फिलिंग वर्क जैसे कि बलास्ट वर्क हो गया तो वहां पर इनका जरूर यूज करवा पाएंगे हमारे पास यहां पर राउंडेड एग्रीगेट केस में अगर हम बात करें तो राउंडेड एग्रीगेट में वॉट इज जो इनका शेप है वो ऑलमोस्ट स्पेरिकल हो जाता है तो कॉन्टेक्ट बिटवीन दी एग्रीगेट एक तो बहुत कम हो जाता है तो कॉन्टेक्ट अच्छा नहीं है तो आपस में इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं बनती तो इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं बनती तो लोड ट्रांसफर अच्छे से नहीं होता इस कारण से इनके द्वारा यूज या फिर इनका यूज होकर अच्छी स्ट्रेंथ का हम कोई भी हमारे पास मिक्स बनाए पॉसिबल नहीं हो पाएगा पहली चीज तो ये हो गई दूसरी चीज ये हो गई कि ये हमारे पास एग्रीगेट जो होते हैं नियरली राउंडेड स्फेरिकल शेप है तो इनका सरफेस एरिया मिनिमम आएगा एज कंपेयर टू एनी अदर ज्योमेट्री तो इनके ऊपर लगने वाला सीमेंट का पेस्ट भी बहुत कम मात्रा का होता है और अगर वो बहुत कम मात्रा का है तो इसकी मतलब ये कि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट इज रिक्वायर्ड टू लुब्रिकेट दी एग्रीगेट तो लुब्रिकेशन इफेक्ट अच्छा मिल जाता है ज्यादा सीमेंट पेस्ट से तो वर्केबिलिटी अच्छी मिल जाती है तो यहां पर हमारे पास अगर हम बात करें देयर फोर फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट आउट ऑफ ऑल एग्रीगेट राउंडेड एग्रीगेट विल गिव मैक्सिमम वर्केबिलिटी राउंडेड सरफेस डू नॉट है फॉर दर्पज ऑफ एंगुलर एग्रीगेट तो एंगुलर एग्रीगेट की खासियत क्या है नंबर ऑफ एजियत ज्यादा है कि भाई प्रॉपर इंटरलॉकिंग हो जाती है तो इंटरलॉकिंग होती है तो लोड ट्रांसफर अच्छा होता है तो स्ट्रेंथ के मामले में इनका यूज अच्छा है लेकिन जब मिक्सिंग की बात आती है तो काफी ज्यादा सीमेंट पेस्ट इनके ऊपर लगाना पड़ता है फॉर द प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन तो हमारे पास सीमेंट पेस्ट ज्यादा लगेगा ल्यूब्रिकेशन के लिए कम अवेलेबल है तो हम ज्यादा अच्छा ल्यूब्रिकेशन करवा नहीं पाएंगे और नहीं करवा पाएंगे तो ऐसे केस में हमारे पास हमारा जो वर्केबिलिटी वो अफेक्ट हो जाएगा सो हियर पार्टिकल्स दार्टिकल वेरियस फेसिस और एजेस विच इंप्रूव द इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स द इंटरलॉकिंग एंड फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑपोजेस दार्टिकल्स अप्लाइड लोड देर फोर दे इम्पार्ट बेटर स्ट्रेंथ देन एनी अदर टाइप ऑफ एग्रीगेट तो ड्यू टू दी हायर फ्रिक्शन इनकी वर्केबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है वर्केबिलिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है अगली बात करते हैं दर टाइप ऑफ एग्रीगेट फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट तो फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट में इरेगुलर शेप होने की वजह से इरेगुलर शेप होने की वजह से एक तो सरफेस एरिया भी ज्यादा हो जाता है और ना इनके पास कोई एक डायमेंशन बहुत ज्यादा किसी दूसरा डायमेंशन के रिस्पेक्ट में लंबा या पतला हो जाता है तो इनकी स्ट्रेंथ भी घट जाती है तो ये एग्रीगेट ड्यू टू दी इनरेगुलर शेप दे डू नॉट प्रोवाइड गुड वर्केबिलिटी और ना ही ये अच्छी स्ट्रेंथ दे पाते हैं अनादर वन इज रेफर्ड एज दी एंगुलरिटी नंबर तो हमारे पास हमें ये चेक करना कि हमारे सैंपल में कितने अमाउंट ऑफ एग्रीगेट जो है वो राउंडेड है या एंगुलर है इसको पता करने के लिए एंगुलिटी नंबर का इस्तेमाल करते हैं एंगुलिटी नंबर क्या बताता है इट शोज द डिग्री ऑफ पैकिंग दैकिंग कितना हमारे पास जो है वो डेंसली पैकिंग है एंगुलरिटी नंबर तो जो होता है हमारे पास इज इक्वल टू 67 परसेंटेज माइनस परसेंटेज ऑफ सॉलिड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉलिड वॉल्यूम कितना है तो जितना ज्यादा होगा परसेंटेज ऑफ सॉलिड वॉल्यूम यह वैल्यू उतनी छोटी आती चली जाएगी एंगुलरिटी नंबर उतना ही कम आता चला जाएगा और नंबर जितना कम आएगा हमारे एग्रीगेट उतने ही कम एंगुलर पाए जाएंगे मतलब इतने ही ज्यादा राउंडेड पाए जाएंगे तो अगर हम बात करें फॉर कंप्लीट राउंडेड एग्रीगेट सैंपल जो हमारा एंगुलरिटी नंबर है दैट इज यूजुअली कम्स आउट टू बी इक्वल टू 11 के बराबर और जो कंप्लीट एंगुलर एग्रीगेट सॉरी राउंडेड है तो एंगुलिटी नंबर जीरो होगा और एंगुलर एग्रीगेट है तो एंगुलरिटी नंबर हमारे पास के बराबर आता है जितना हम नंबर को अगर देखेंगे तो ये जीरो से लेके ग्यारह तक, तक, तक वेरी करता है हमारे पास लेसर एग्रीगेट नंबर लेसर दी एंगुलरिटी नंबर राउंडेड एग्रीगेट और जितना ज्यादा राउंडेड होगा हमारे पास एग्रीगेट हमारा हमारे पास हम कह सकते हैं वर्केबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी और जितना ज्यादा हमारे पास एंगुलरिटी नंबर एंगुलर दी एग्रीगेट और एग्रीगेट अगर एंगुलर होगा तो ऐसे में हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ही ज्यादा मिलेगी क्लियर है बात इतनी आगे बढ़ते हैं अगला क्लासिफिकेशन है एग्रीगेट का बेस्ड ऑन टेक्सचर टेक्सचर के बेसिस पे एग्रीगेट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं तो स्मूथ या रफ स्मूथ एग्रीगेट में फ्रिक्शन नहीं होगा पार्टिकल्स के बीच में तो आसानी से ग्लाइडिंग हो पाएगी आसानी से स्लाइडिंग हो सकेगी तो वर्केबिलिटी अच्छी मिल जाती है राउंडेड एग्रीगेट हमारे पास स्मूथ होते हैं और इनके द्वारा हमारे पास वर्केबिलिटी अच्छी मिल जाती है क्योंकि इनमें फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी लेस यहां पर फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि रफ एग्रीगेट है तो यहां पर हमारे पास वर्केबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है और जितने ज्यादा एंगुलर होंगे एग्रीगेट उतने ज्यादा उनके रफ होने के चांसेस भी होंगे अनादर वन दैट इज टेस्ट ऑन दी एग्रीगेट तो अगला टेस्ट है हमारे पास एग्रीगेट के ऊपर और उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां पर क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट की अगर हम बात करते हुए चलते हैं तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या पता करता है ये इट चेक्स दी रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी ग्रेजुअल लोडिंग इट चेक्स दी रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी ग्रेजुअल लोडिंग So, this is जितने एग्रीगेट आज आते हैं उन्हें कहते हैं डब्ल्यू वन ग्राम्स के बराबर क्या कहते हैं उन्हें डब्ल्यू वन ग्राम्स के बराबर जो आ जाते हैं हमारे पास उनको हम उन सी टी एम में रखेंगे हमारे पास जो वो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर और सीटीएम में रखने के बाद हम लोड लगाना चालू करेंगे विद फोर्स ऑफ पर मिनट अप टू टन तक और ऐसे करते करते हमारे पास कुछ पोर्शन ऑफ एग्रीगेट क्रश होना चालू करेगा नाउ टेक दीगेट एंड पास देम थ्रू और इनका आप जो है वो वजन ले लो तो आपके पास यहां पर जो है वो वजन डस्ट का लेंगे तो डस्ट का वजन लेने के बाद हम निकालेंगे एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू क्या निकलकर आती है रेफर्ड एज हमारे पास क्रश एग्रीगेट पासिंग 2.36 पॉइंट थ्री और यहां पर हमारे पास एग्रीगेट टेकन बिटवीन 12.5 पॉइंट एंड 10 एम एम सी एंड टू हंड्रेड तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू निकलकर हमारे पास आएगी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू की खासियत क्या है कि हमारे पास एग्रेड क्रशिंग वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी क्रशिंग रेजिस्टेंस जो है कहलाता है स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट क्या कहलाता है ये स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट अगर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू हमारे पास इफ यू टॉक इट टॉक अबाउट यहां पर हमारे पास तीस परसेंट से ज्यादा है तो फिर ये कहलाता है क्या वीक एग्रीगेट और ध्यान रखिएगा हाईवे सरफेस कोर्स के लिए फॉर हाईवे सरफेस कोर्स जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है वो हमारे पास शुड नॉट बी ग्रेटर देन थर्टी फाइव परसेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन थर्टी फाइव परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तीस तीस पैंतीस परसेंट से ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए जनरल जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बेस कोर्स के लिए हमारे पास ये जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है शुड नॉट बी ग्रेटर देन फोर्टी फाइव परसेंट परसेंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए क्लियर है बात इतनी चलिए आगे बात करना चालू करते हैं चलिए सो so, क्या प्रॉब्लम है वीडियो के अंदर थोड़ा सा आपके पास वीडियो जो है वो क्या हो रहा है इट इज हैंगिंग इन बिटवीन ठीक है देखते हैं जरा क्या दिक्कत है अगला टेस्ट है हमारे पास वो की जो कि रेफर्ड है टफनेस टेस्ट तो टफनेस टेस्ट हमारे पास किस चीज के लिए रेजिस्टेंस अगेंस्ट रिपीटेड इंपैक्ट लोडिंग तो हमारे पास रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंपैक्ट रिपीटेड इंपैक्ट लोडिंग हम इसको बताते हैं एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू से रेफर्ड एज ए आई वी से कैसे ए आई वी से क्या करना पड़ेगा साढ़े बारह एम एम की सीट से एग्रीगेट को आपको पास कराना पड़ेगा दस एम एम पे रिटेन कराना पड़ेगा और इनका वजन लेंगे एज डब्ल्यू वन ग्राम के बराबर अब हम इनको क्या करेंगे हमारे इस बॉटम कप के अंदर रखेंगे तीन लेयर में हम रखेंगे इसको। एच लेयर जो वो टाइम्स। और हमारे पास हम ऊपर से साढ़े मतलब अड़तीस दशमलव पांच मतलब थ्री एटी एम एम प्लस माइनस फाइव एम एम में हम जो है वो इस हाइट से फॉल कराएंगे हैमर के वेट होता है नियरली हमारे पास फोर्टीन के जी रिलीज दिन के जी फ्रॉम दी हाइट ऑफ थर्टी एट सेंटीमीटर पंद्रह बार पंद्रह बार करने पर इसका चूरा बनेगा इसको हम सीव से पास कराएंगे नाउ टेक एग्रीगेट एंड पास देम थ्रू द टू पॉइंट थ्री सिक्स और पास करने के बाद क्या निकालेंगे एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू तो हमारे पास हम निकालेंगे यहां पर एग्रीगेट पासिंग 2.36 पॉइंट थ्री सिक्स एम सीव डिवाइडेड बाय एग्रीगेटीन टेन एंड ट्वेल्व पॉइंट तो जितनी ज्यादा हमारे पास यहां पर वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग टू पॉइंट करता हूं W2, और वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग टॉइट फाइव एम एम एंड रिटर्न ऑन टेन एम एम इसे कहते हैं डब्ल्यू वन तो ये बन जाएगा हमारे पास डब्ल्यू टू बाई डब्ल्यू वन इंटू हंड्रेड के बराबर एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना जरूरी है एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू जो है वो क्या बताती कितना रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी इंपैक्ट रिपीटेड इंपैक्ट लोडिंग अगर एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू दस परसेंट से कम है तो इसे कहते हैं एक्सेप्शनली स्ट्रॉ एक्सेप्शनली स्ट्रॉग या टफ कह सकते हैं अगर ये दस से बीस परसेंट के बीच में है तो इसे मीडियम टफ कहते हैं अगर ये बीस से तीस परसेंट इसे जो है वो हम टफ कहते हैं और अगर ये तीस परसेंट से ऊपर है तो इसे वीक कहा जाता है ठीक है तो हमारे हाईवे सरफेस कोर्स के लिए एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू वैसे तो कम ही होना चाहिए बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर थर्टी परसेंट किसके लिए हाईवे सरफेस कोर्स के लिए जो बिटुमिनस मैकेडम रोड होते हैं इस केस के लिए एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन थर्टी फाइव परसेंट वहीं पर अगर वॉटरबॉन्ड मैकेडम कॉन्क्रीट रोड हो तो एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन फोर्टी परसेंट और वहीं पर हमारे पास जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर आप ध्यान रखकर चलिएगा क्लियर है हार्डनेस टेस्ट तो हार्डनेस टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं रेजिस्टेंस टू वियर एंड टीयर चेक किया जाता है जहां पर हम एग्रीगेट और एग्रीगेट के साथ में जो स्टील बॉल्स होती है इनके बीच के रेजिस्टेंस को चेक करने की कोशिश की जाती है तो यहां पर हमारे पास इफ यू टॉक अबाउट हमारा जो ये सिलेंडर होता है जो ये पूरा पूरा ड्रम आपको दिखाई दे रहा है डायमीटर तो 700 सौ mm है लेंथ इसकी होती है 520 सौ mm के बराबर तो हमारे पास यहां पर हमें रबिंग एक्शन बिटवीन दी एग्रीगेट्स एंड स्टील बॉल्स को चेक करना होता है तो इसी को बेसिकली कहा जाता है एब्रेशन

हमारे पास तीन तरह के अपेरेटिस है लॉस एंजलिस और डोरिस हम यहां पर लेकर चल रहे हैं हमारा लॉस एंजलिस साढ़े बारह एमएम की सीव से एक पास कराएंगे दस एम एम की सीपर्न करा लेंगे और उनको हम वजन ले लेंगे उनका एज डब्ल्यू वन ग्राम के बराबर फिर हम इनको अपेरेटस में रख देंगे लॉस एंजलिस अपेरेटस में रख रहे हैं तो हमारे पास यहां पर दोनों में से किसी का भी केस देख लो यहां पर रख रहे हैं तो हमारे पास हमें ध्यान ये रखना होता है कि फाइव हंड्रेड रिवोल्यूशन करेंगे हम

तो अगर एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू जितना ज्यादा आएगा हमारे पास उतना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा होगा तो वी कैल्कुलेट लॉस ऑफ एबरेशन और लॉस ऑफ एब्रेशन हमारे पास कैसे आएगा इज अगेन द सेम कितना हमारे पास एब्रेशन में लॉस हो गया तो लॉस कितना हो जाएगा जो चूरा बन जाएगा वही लॉस है तो उसको भी कैसे लिख सकते हैं डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय W1 वन इंटू हंड्रेड के बराबर यहां पर हमारे पास आईएस कोड नहीं है क्या इसके आईएस इस कोड प्रोविजन जो है वो ऑलरेडी मैंने तुम्हारे सामने यहां पर मेंशन कर दिए हैं आपको अलग से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है ठीक है तो यहां पर हमारे पास एक होता है कोफिशियंट ऑफ हार्डनेस तो कोफिशियंट ऑफ हार्डनेस हमारे पास कितना निकल कर आएगा तो हम यहां पर कह सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हमारे पास इफ लॉस इन वेट इज तो दो पैरामीटर में मेंशन करना है यहां पर तो कोफिशियंट ऑफ हार्डनेस या फिर लॉस इन वेट की अगर हम बात करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास ट्वेंटी माइनस लॉस इन वेट

हमारे एग्रीगेट का जो वेदरिंग का रेजिस्टेंस है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग ऑफ द एग्रीगेट इज चेक्ड इन दस टेस्ट यहां पर दी of, किस में या तो आपके एन ए टू एसओ फोर में कर लो या फिर एम में कर लो और जब भी हम इनको हीट करेंगे तो हीट करेंगे, of of 105 पे हीट करेंगे। इनको डिप करके रखेंगे इस सोल्यूशन में और फिर हीट करेंगे यही काम करेंगे दस साइकिल तक दस साइकिल तक काम करने के बाद इनके वेट में अंतर ढूंढेंगे शुरुआत में कितना वेट था बाद में कितना वेट हुआ ना एंड कंपेयर देयर वेट इन विद इनिशियल वेट लॉस इन वेट अगर हमारे पास इफ इट इज ग्रेटर देन ये बात करते हैं लॉस इन वेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन ट्वेल्व परसेंट इफ एन टू एसओ फोर इज यूज्ड और वहीं पर लॉस इन परसेंट या लॉस इन वेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन परसेंट इफ इज़ यूज्ड हमारे पास अगला है फ्लैकिनेस इंडेक्स और दी फ्लैकिनेस टेस्ट यह क्या पता लगा के बताता है यह पता लगा के बताता है कि हमारे पूरे के पूरे सैंपल साइज के अंदर कितने अमाउंट ऑफ एग्रीगेट्स है वो फ्लैकी है फ्लैकी का मतलब ये होता है चपटा किसे बोलेंगे चपटा हमारे पास जितने भी एग्रीगेट्स हैं उन एग्रीगेट की जो हमारे पास एवरेज साइज है मतलब जिस सीव साइज से पास करते हैं और जिस सीव साइज पे रिटेन कर लेते हैं वो उन दोनों के बीच की जो साइज होती है उसे कहते हैं एवरेज साइज अगर एवरेज साइज के एवरेज साइज से भी हमारे पास ये 0.6 टाइम्स छोटा हो क्या हो 0.6 टाइम्स छोटा हो तो हमारे पास कोई भी डायमेंशन हमारे एवरेज साइज के 0.6 टाइम्स से भी छोटा डायमेंशन बन जाए तो वैसे डायमेंशन तो थी दे दे लेस देन 3 बाय फाइव और 0.6 टाइम्स ऑफ मेन डायमेंशन इस टेस्ट को हम थिकनेस गेज से परफॉर्म करते हैं लगभग इतनी क्वांटिटी लेते हैं कि 200 पीस बन जाए टेस्ट परफॉर्म करने के लिए यहां पर हम जो है वो एग्रीगेट की थिकनेस के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कैसे पता करेंगे बहुत सिंपल सा फंडा है आपको पहले छन्नी से एग्रीगेट को छानना है तो एग्रीगेट आर एग्रीगेटी थ्री एम एम एंड पचास एमएम तो जो सिक्सटी थ्री एम से सीव कराए और पचास एम एम पे रिटर्न करा लेंगे तो हमारे पास मीन डायमेंशन क्या बन जाएगा मीन डायमेंशन बन जाएगा सिक्सटी थ्री प्लस फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू तो छे और पांच ग्यारह और एक सौ तेरह बटे दो तो सौ तेरह बटे दो कितना बनता है हमारे पास एक सौ तेरह बटे दो में हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो एक सौ बारह बटे दो बनता है छप्पन सिक्स पॉइंट फाइव एम एम के बराबर तो हमारे पास यहां पर यह तो बन गया मेन डायमेंशन अब हमारे एग्रीगेट का साइज अगर क्या हो इस साइज से 0.6 टाइम्स भी इससे भी छोटा हो, तो इस साइज के 0.6 टाइम्स छोटा क्या बनेगा? उसी को देख लेते हैं, तो 55.5, 55.5 इनटू 0.6 ये बनता है, 0.6 इनटू 55.5, 56.5 इज इक्वल टू 33.90 मीम है ये. तो अगर कोई भी एग्रीगेट इस साइज से पतला रहा तो फिर वो क्या कहलाएगा फ्लेकी एग्रीगेट कहलाएगा कैसे लेना है इसको लेंथ गेज गेज एंड थिकनेस बहुत ही बढ़िया स्लैगिंग एक्शन का मतलब होता है सर स्लेगिंग एक्शन का क्या मतलब होता है सर दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू आस सौरभ दो सौ एग्रीगेट लेते हैं सीप से पास कराते हैं रिटेन कराते हैं दूसरी सीप पे उसको वजन लेते हैं डब्ल्यू वन ग्राफ अब इनको हम पास करा के देखते हैं हमारे पर्टिकुलर थिकनेस गेज से और जितने हमारे पास पास कर जाते हैं गेज को उनको उनका वजन लेते हैं एज डब्ल्यू टू ग्राम तो हमारे पास फ्लैकेस इंडेक्स निकलता है डब्ल्यू टू बाय डब्ल्यू वन इंटू हंड्रेड के बराबर तो फ्लैकेस इंडेक्स हमारे पास यहां पर यह कहता है कि भाई ये वाली क्वांटिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्लैकेस इंडेक्स जितना ज्यादा होगा एग्रीगेट उतने ज्यादा फ्लैकी कहलाएंगे तो हमारे पास फॉर रोड रोडवर्क जो फ्लैकेस इंडेक्स है Should not be greater than 15% और फॉर जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क जो इंडेक्स है हमारे पास ठीक है अगला है हमारे पास elongation index. Elongation index का मतलब यह कि aggregates हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर साइज से लंबे हो जाते हैं तो उसे इलांगेटेड कहते हैं यहां पर डिफाइन करने का तरीका यह है कि जो भी हमारे पास हम एग्रीगेट को सीव करा के लेंगे उनकी जो एवरेज डायमेंशन होगी उस एवरेज डायमेंशन के 1.8 टाइम्स से भी एग्रीगेट का आ जाए तो उसे कहा जाएगा हमारे लिए इलाटेड एग्रीगेट इट इज ग्रेटर हमारे पास इट इज यूज टू द देशन ऑफ एग्रीगेट क्या यूज करेंगे यहां पर लेंथ गेज का इस्तेमाल करेंगे और फ्लैगनस इंडेक्स कैसे पता करेंगे तो आपने एग्रीगेट को पास कराया पचास एमएम की सीट से और चालीस एमएम पे रिटेन करा लिया तो मेन डायमेंशन बन जाता है 50 प्लस चालीस बटे दो इज इक्वल टू फोर्टी फाइव के बराबर और हमारे पास यहां पर एग्रीगेट ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स ऑफ 45 फाइव आर इलोंगेटेड तो कैसे पता करेंगे ये रहा लेंथ गेज अगर आपने 50 और 40 वाली सीट से पास कराया उसका जो एवरेज है वो है 45, उसमें 1.8 का मल्टीप्लाई करोगे वन तो आंसर कितना बनेगा एटी mm के बराबर तो, तो अगर कोई भी एग्रीगेट की साइज तो टाइम से ज्यादा बड़ी है तो वो सब क्या कहलाएंगे जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है ये आपका थिकनेस सॉरी लेंथ गेज है इलोंगेशन इंडेक्स कैसे पता करेंगे तो इलागेशन इंडेक्स पता करने का सिंपल सा तरीका है जितने एग्रीगेट पास नहीं करते हैं इस पर्टिकुलर लेंथ गेज से वो सब क्या इलांगेटेड है तो हमारे पास यहां पर लिखने का तरीका एग्रीगेट नॉट पासिंग पिछले वाले में था पासिंग इसमें नॉट पासिंग एग्रीगेट नॉट पासिंग लेंथ गेज डिवाइडेड बाय एग्रीगेट टेकन बिटवीन ट्वेल्व पॉइंट फाइव एम एम एंड टेन एम एम सीट नहीं ट्वेल्व पॉइंट फाइव एम एम टेन एम एम क्यों यहां पर तो हम एग्रीगेट बिटवीन एग्रीगेट टेकन बिट्वीन पासिंग एंड रिटेनिंग पासिंग एंड रिटेनिंग इन टू हंड्रेड तो यहां पर आपको ध्यान रख रखना है रोड वर्क के लिए आपका इलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर पंद्रह परसेंट और जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन ठीक है जनरली क्या होता है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं जो लास्ट रिटेन वाली सीव है वो सिक्स पॉइंट थ्री एम की है तो लास्ट रिटेन सीव है वो सिक्स पॉइंट थ्री एम की है ठीक इसी प्रकार यहां पर जो हमारे पास सीव है इसमें जो लास्ट डायमेंशन है वो है सिक्स पॉइंट थ्री एम इससे छोटी डायमेंशन के कोई भी हमारे पास एग्रीगेट होते हैं उनको इलोंगेटेड या की कैटेगरी में ला पाना बहुत मुश्किल होता है तो इलोंगेटेड और फ्लैकी एग्रीगेट्स आर नॉट एप्लीकेबल या फ्लैकी इलोंगेशन इंडेक्स और फ्लैकीनेस इंडेक्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल्स हैविंग साइज लेसर देन 6.3 बिकॉज इट इज टू कंस्ट्रक्ट अ गेज स्मॉलर देन दिस साइज सर प्रैक्टिस बैच ऐप में अवेलेबल नहीं है क्या अविनाश ये जो प्रैक्टिस बैच जिसकी आप बात कर रहे हैं पच्चीस तारीख से आपको एप्लीकेशन में दिखना चालू हो जाएगा ठीक है और कब है तारीख तो ये आप जानते ही हैं। तो अगला हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हम रॉक्स एंड स्पोन्स कंप्लीट कर चुके हैं एग्रीगेड कंप्लीट कर चुके नाउ ए रन टू दी पेंट वॉर्नेशन डिस्टेम्पर तो यहां पर बात करना चालू करते हैं पेंट क्या है हमारे पास सो वॉट पेंट इज पेंट हमारे पास एक मिक्सचर है मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर हमारे पास हम अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सबको मिलाकर एक ऐसा सब्सटेंस बनाने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे पास लॉन्गर लॉन्गिंग ड्यूरेबिलिटी लाइफ देने की कोशिश करता है टू दी सब्सटेंसेस जिनके ऊपर हम इन्हें लगाते हैं तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज और केमिकल्स विच इम्पार्ट वेरियस प्रॉपर्टीज जैसे कि हमारे पास हम वुड मेटल प्लास्टर सरफेस किसी को भी लगा सकते हैं क्या अवॉइड करते हैं ये हमारे पास ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएंगे तो लाइफ बढ़ेगी मेटल है तो एंटी बढ़ाएगा लकड़ी है तो एंटी टर्माइट लेयर बनेगी मॉइस्चर प्रोटेक्शन बनेगा लकड़ी से अपेरेंस अच्छा हो जाएगा ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमारे पास इंपार्ट कराते हैं अगर हम बात करें यहां पर हमारे पास कि हम पेंट को लेयर्स में लगाते हैं तो पेंट को Lades में लगाते हैं पहला होता है प्राइमर पहला होता है प्राइम कोट पहला होता है प्राइम कोट जो कि लगाया जाता है प्राइमर से क्या काम करने के लिए वाइट्स को जो सरफेसेस वॉइड्स होते हैं उन्हें कंप्लीटली फिल करने के लिए ताकि पेंट का मटेरियल कम से कम मात्रा में लगे तो हमारे पास इसके बाद जो लेयर लगती है वो है हमारे पास रेफर्ड एज अंडर कोट जो कि पेंट की, की लगाई जाती है और थर्ड है हमारे पास रेफर्ड एज दी फाइनल कोट जो कि हमारे पास पेंट की लगाई जाती है किसी सब्सटेंस के ऊपर अगर और भी प्रोटेक्शन चाहिए पेंट लेयर का तो हम एक और लेयर लगा सकते हैं विच इज बिंग रेफर्ड एज दी हमारे पास वार्निश वो हमारे पास सिर्फ हमारी पेंट लेयर को और प्रोटेक्ट करने के लिए लगता है तो पेंट इज अप्लाइड इन टू लेयर्स लेयर इज एज इज कोट बिफोर इज लेयर या फिर एज अंडर कोट और जो है, है उसे कहा जाता है क्या फाइनल कोट हमारे पास यहां पर जब भी हम पेंट बनाते हैं तो पेंट बनाते टाइम इसमें क्या क्या मिलाया जाता है तो इसमें मिलाया जाता है बेस बेस के अलावा मिलाया जाता है वेहीकल या कैरियर फिर मिलाया जाता है इसके अंदर हमारे पास सॉल्वेंट जो कि वही है तो यहां लिख लेते हैं थिनर फिर मिलाया जाता है इसके अंदर ड्रायर और एक और होता है हमारे पास रेफर्ड एज दी पिगमेंट तो आपके पास इतनी चीजें मिलाई जाती है हर एक चीज का अपना अपना एक पर्पज है जब बेस की बात करते हो तो बेस हमारे पेंट का मेन और प्रिंसिपल कॉन्स्टिटुएंट है जिसकी वजह से पेंट अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सिग्निफाई कर पाता है ये जो मटेरियल है ये हमारे पेंट को लाइफ देता है ओपेकनेस देता है पेंट की एबिलिटी बढ़ाता है किसी भी सरफेस पर चिपकने की और हमारे पास यही वो है सब्सटेंस है जो लास्ट में सारे सोलवेंट उड़ जाने के बाद सरफेस पर बचता है तो एज अ बाइंडर बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रखता है इसलिए सरफेस पर लंबे समय तक पड़ा रहता है जनरली पाउडर फॉर्म में प्रोड मिलता है हमारे पास ये इसी को भी कहते है। या क्योंकि में होता है इसकी वजह से पेंट लादा लंबा चल पाता है यह हमारे पास फिल्म को ओके ओपेक बनाता है बाइंडिंग की अच्छी होती है और जनरली हमारे पास मेटल ऑक्साइड के रूप में पाउडर के फॉर्म में होता है ड्यू टू बेस श्रिंकेज एंड ऑफ पेंटेड सरफेस इज लेस ड्यू टू इट्स बाइंडिंग विदेस तो अच्छा खासा चिपक जाता है बेस वहीकल पिगमेंट ओके बहुत बढ़िया तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें कई तरह के हमारे पास अलग अलग तरह के बेस हैं जिनमें से आपको ध्यान क्या रखना है वॉट नीड टू रिमेम्बर इज टाइटेनियम वाइट एंटीमनी वाइट जिंक वाइट तीन तरह के तो हो गए आपके पास वाइट क्या क्या टी डब्ल्यू ए डब्ल्यू और जेड डब्ल्यू दो तरह के हो गए लेड रेड लेड और वाइट लेड आपके पास अब बचता है आयरन ऑक्साइड लिथोफोन और एल्यूमिनियम पाउडर ये सब के सब पाउडर फॉर्म में होते हैं और सबका इस्तेमाल किस लिए होता है बेस के रूप में होता है एक एक करके देखते हैं एल्यूमिनियम पाउडर एल्यूमिनियम के सर्फेस पे पेंट करना हो तो एल्यूमिनियम पाउडर सबसे बेस्ट रहता है या वुड के ऊपर प्राइमिंग करना हो तो एल्यूमिनियम पाउडर का सबसे बेस्ट यूसेज रहता है प्राइमर इन टू न्यू वुड वर्क या एल्यूमिनियम सर्फेस पेंट करने के लिए इफ यू टॉक अबाउट द्वट लेड तो वाइट लेड की प्रॉपर्टी है कि ये कोरोजन से प्रिवेंट नहीं कर सकता

तो जिंक इट जो है वो हमारे सर्फेसिस पे स्मूथ फिनिश देने की कोशिश करता है तो हमारे पास हमेशा ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि ज्यादा हमारे पास रफ एंड टफ यूसेज में ना हो जैसे कि इनर सर्फेसिस हमारे पास अगला है ऑक्साइड ऑफ द आयरन फिर से आयरन के वर्क के लिए पेंटिंग करने में काम आएगा और इससे क्रोशन हमारे सरफेस का बच जाता है अनादर वन इफ यू टॉक अबाउट अगला है लिथोफोन लिथोफोन हर कंडीशन में यूज हो सकता है बहुत सस्ता भी होता है और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है चीप कैन बी यूज फॉर सुपीरियर क्वालिटी वर्क ऑल्सो हमारे पास हम अगर सनलाइट के प्रेजेंस में देख रहे हैं तो यह अपने आप को जो वो प्रॉपर्टी लूज करना चालू करता है तो आउटर में इसे कम इस्तेमाल किया जाता है क्लियर है बात इतनी अगला है व्हीकल या कैरियर तो कैरियर का मतलब क्या होता है बेस पाउडर था उसमें आपने कोई क्वांटिटी मिलाई जो कि लिक्विड फॉर्म में है तो वो आपके बेस को पूरे के पूरे सरफेस पर कैरी करा सकती है फैला सकती है ज्यादा बड़े एरिया में पेंट करने की एबिलिटी रखवा सकती है और पतला होता है तो फैल सकता है ये इसकी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड सब्सटेंस इन विच बेस इज डिजॉल्व और हमारे पास इसकी वजह से हम हमारे पेंट को ज्यादा बड़े एरिया में स्प्रेड करवा सकते हैं यूनिफॉर्मली क्योंकि हमारे पास ये पूरे के पूरे बेस को डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर इंग्रेजी सरफेस कवरेज और इसी को हम बाइंडर के रूप में भी जानते हैं क्योंकि ये बेस को सरफेस पर आसानी से चिपकाने की एबिलिटी रखता है कई प्रकार के ऑयल होते हैं जो ट्री सीड से निकलते हैं और उनको हम वेहीकल या कैरियर के रूप में यूज करते हैं अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉल इंसिड ऑयल या बॉइल्ड इंसिड ऑयल तो जो बॉइल्ड इंसिड होता है ये हमारे पास हमारी ड्राइंग की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है बहुत जल्दी ड्राई होने की एबिलिटी रखता है और जो रॉल इंसिड ऑयल होता है ये धीरे धीरे हमारे पास ड्राई होता है <laughs> तो इट इज जनरली यूज फॉर द इंटीरियर वर्क ऑफ डेलीकेट नेचर इंटीरियर वर्क ऑफ द डेलीकेट नेचर और बॉइल्ड डबल इंस ऑयल बहुत जल्दी ड्राई होता है इट कैन बी यूज फॉर दी एक्सटीरियर वर्क एक होता है पॉपी ऑयल पॉपी ऑयल जो होता है हमारे पास एज यू कैन सी इट हियर तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास जिस भी जगह में यूज होगा वहां पर कलर्स को बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखेगा लूज नहीं होने देगा इट ड्राई स्लोली एंड मेक्स द कलर लॉन्ग लास्टिंग एक होता है हमारे पास नट ऑयल एक होता है हमारे पास जो है वो टंग ऑयल टंग ऑयल कह लो टंगस ऑयल कह लो नट ऑयल कह लो नट ऑयल सबसे खराब क्वालिटी का नट ऑयल होता है कलरलेस होता है ड्राई रैपिडली करता है ड्यूरेबल भी नहीं है ज्यादा और हमारे पास ऑर्डिनरी टाइप ऑफ पेंट वर्क में काम आता है लेकिन जो टंगस्टन ऑयल है हमारे पास सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट होता है सुपीरियर क्वालिटी के काम में आता है महंगा भी है सरफेस को वाटरप्रूफ और हाईली ड्यूरेबल बनाता है इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है यहां पर हमारे पास इफ यू टॉक अबाउट अगर हम बात करें अनादर वन अनादर इज द ड्रायर तो ड्रायर जो होता है इसकी प्रॉपर्टी है या तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवा दे हमारे पेंट के मटेरियल का तो ये वहां से जो है वो ऑक्सीडाइज होकर पूरी तरह वहां चिपक जाए या इवेपोरेशन प्रोसेस से अंदर का पूरा मोइस्चर निकाल के सुखा दे तो ये हमारा ड्रायर का फंक्शन होता है तो ड्रायर जो है

तो जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है और जो पेंट होता है उसकी पपड़ियां निकलना चालू हो जाती है टू डिफेक्ट हमारे पास केमिकल आर एज क्योंकि ये किसी प्रोसेस को स्पीडअप कराते हैं हमारे पास कुछ कॉमन टाइप ऑफ ड्रायर जो होते हैं वो जनरली हमारे पास लेड से रिलेट करेंगे किससे लेड से लेड ऑक्साइड रेड लेड 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 एसीटेट या फिर लेड क्रोमेट तो चार तो ये नाम हो गए हमें ध्यान रखना है लेथार्ड इज बेसिकली मोस्ट वाइडली यूज रेड लेड तो हमारे लिए एक ड्रायर भी है और हमारे लिए एक हमारा बेस भी है बचता है हमारे पास कोबाल्ट और जिंक और मैग्नीशियम ऑक्साइड दिस आर बेसिकली डिफरेंट ऑक्साइड जिनका हम इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ ड्रायर अगला है थिनर और सॉल्वेंट पेंट में पेंट काफी गाढ़ा बनता है अगर हम क्या यूज करते हैं हमारे पेंट में किसी व्हीकल कैरियर को ऑयल के रूप में तो इसके अंदर हमें कभी कभी थिनर मिलाना पड़ता ताकि थोड़ा पतला हो जाए तो ज्यादा बड़े सरफेस एरिया पर फैले और बिल्कुल बारीक बारीक पोर्स में अंदर तक जाके हमारे सरफेस को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी रखे तो माइक्रो पोर्स तक पहुंच सके इसलिए इसमें जो है वो थिनर या सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है दे आर सर्टेन टाइप ऑफ ऑयल्स विच आर यूज टू मेक देंट थिन ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं विस्कोसिटी करते हैं हेल्प पेंट टू रीच दाइक्रोपोर्स प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ये कुछ ऑयल्स के रूप में भी होते हैं जैसे कि टर्पेंटाइन ऑयल हो गया मिथाइलेटेड ऑयल हो गया टंगस हो गया बेंजीन हो गया ये सब काफी ज्यादा पतले होते हैं ठीक है is, हमारे पास हमारा कलरिंग पिगमेंट तो कलरिंग पिगमेंट हमारे पेंट को कलर देने में रिस्पॉन्सिबल होता है तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो इंपार्ट कराते हैं पेंट में कलर एंड दे आर अप टू आठ से बारह परसेंट तक ही परमिसिबल होते हैं तो हमारे पास यहां से डिफाइन होता है कलरिंग पिगमेंट के रेफर से हमारे पास पीवीसी वैल्यू पीवीसी वैल्यू हमारे पास जो होती है पिगमेंट हमारे पास जो है वो पिगमेंट वॉलेटाइल हमारे पास जो कॉन्स्टिटेंट uh, होता है तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट तो ये हमारे पास बताता है कि हमारा पिगमेंट कितना वॉशेबल बनेगा मतलब कितना हमारे पास वो पिगमेंट आसानी से धुल जाएगा फेड हो जाएगा वॉश हो जाएगा ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे कौन बताता है पीवीसी बताता है एक होता है एडल्टरेंट यूज करना चाहे तो करते वरना नहीं ये हमारे पास कॉस्ट बचाने में काम में देता है जो कि बल्क तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है बाई दी हेल्प ऑफ बेरियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट अगला है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेंट एल्यूमिनियम पेंट की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम पेंट जो होता है हमारे पास एक काफी ज्यादा हीट रेजिस्टिव और रिफ्लेक्टिव पेंट होता है दे आर हीट रेजिस्टेंट एल्यूमिनियम रेजिस्ट टेम्परेचर अप टू 150 डिग्री सेल्सियस अच्छा खासा टेम्परेचर रजिस्ट करने की एबिलिटी रखता है वेन एलुमिनियम पाउडर इज बेस और वार्निश को आपने यूज किया एज सॉल्वेंट वो कहलाता है एल्यूमिनियम आपके पास पेंट एल्यूमिनियम पेंट ये हाईली हीट रिफ्लेक्टिव होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं इसलिए इन्हें साइलोज में मेटल रूस में स्टोरेज टैंक्स या मशीनरीज में इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है इफ टॉक अबाउट दी अनादर टाइप ऑफ पेंट 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 इज एज एंटी एंटी तो क्यों लगाया जाता है ताकि हमारे पास हमारे मेटल का कोरोजन रोक सके तो क्या यहां पर क्या यूज होगा आपको रेड लेड का इस्तेमाल करना है जो कि एक बेस मटेरियल है और इसमें आपको मिलाना है क्या लेंसेड ऑयल

और यहां पर हमारे पास दे बिकम लीकेज प्रूफ फॉर द मेटल दूफ एंड पाइप इसी को हम जो है वो फायर प्रूफ पेंट बनाने में भी काम में ले लेते हैं और दिस इज बेसिकली वुड लुक लाइक ये तो एसबेस्टो पाइप है ये शीट है जो बनी है और एसबेस्टो के फाइबर्स होते हैं आर नेचुरली अक्रिंग कुछ इसे दिखाई पड़ते हैं अनादर वन रेफर इज द बिटुमिनस पेंट हम पेंट में बिटुमिनस कंटेंट को मिला के चलते हैं ताकि हमारे पास

डेवलप कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस ठीक है तो हमारे पास यहां पर अनादर वन इज एज सेल्यूलोस पेंट पेंट हमारे पास जो है वो काफी कॉस्टली बनता है क्यों कॉस्टली बनता है हमारे पास क्योंकि यहां पर हमारे पास कोरोडल सस्पेंशन ऑफ सेलोस डेरिवेटिव लेने पड़ते हैं रेजिन लेने पड़ते हैं प्लास्टिक लेने पड़ते हैं इन सॉल्वेंट तो हमारे पास यहां पर द मटेरियल इज क्वाइट कॉस्टली लेकिन साथ में कैसोल मिला जाता है इसके इंप्रूव करने के लिए स्मूथनेस और एडिशन के लिए और ऐसे केस में यह पेंट हमारे पास बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है सो इट हार्डन पेंट हार्डनेस इज अचीव बाई ऑक्सीडेशन प्रोसेस फ्रॉम थिनिंग एजेंट्स और यह हमारे पास जो ज्यादा कॉस्टली भी होता है अगर हम यहां पर देखें अनादर वन इज हमारे पास यही पेंट जो है हमारे व्हीकल्स कार्स शिप्स प्लेन्स इनको पेंट करने में काम आता है वेदर रेजिस्टेंट बहुत ज्यादा है हाईली हमारे एक्सट्रीम एनवायरमेंट को आसानी से झेल पाता है नो इफेक्ट ऑफ वेदर इज सीन इन्हीं को ड्यूको पेंट या स्प्रे पेंट भी कहा जाता है एनिमल पेंट हमारे पास बेस जिसमें कि जिंक ऑक्साइड मिलाया जाता है और यहां पर हमारे पास वार्निश को एज अ सॉल्वेंट मिलाया जाता है वार्निश की वर्डिंग कई बार आ गई आगे बात करेंगे वार्निश क्या होता है हार्ड ग्लॉसी सरफेस फिनिश देता है विच इज वेरी हाईली ड्यूरेबल ठीक है हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल सर्फेसिस के लिए काम में आता है वुड वर्क में भी काम में ले सकते हैं और यहां पर चूंकि वार्निश का इस्तेमाल हो रहा है बेस हमारे पास जिंक ऑक्साइड है तो इसके वजह से जो हमारा ब्लिस्टरिंग या पीलिंग इफेक्ट है वो हमारे पास कंप्लीटली खत्म हो जाता है अगर हम बात करते हैं वाटर पेंट की तो कोई भी हमारे पास पेंट हो कोई भी पेंट हो जिसके अंदर हमारे पास बेस जो है क्विक lime या white चौक हो और इसमें मिला दिया जाए पानी और पानी के साथ कलर अगर पानी के साथ कलर मिला रहे हैं, तो कलर वॉश बन जाता है सिर्फ पानी मिला रहे हैं तो हमारे पास वो बन जाता है white वॉश ग्लू मिलाते हैं थोड़ा बहुत बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी करने के लिए सीलिंग्स को पेंट करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं इंटीरियर वॉल्स को पेंट करने के लिए जब व्हाइट वॉश या कलर वॉश होता है तो इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास जो है डिस्टेम्पर मतलब जो हमारा क्विक लाइन भी थे व्हाइट चौक इस्तेमाल करेंगे और पानी मिलाएंगे गर्म पानी और कुछ मात्रा में ऑयल मिलाएंगे इज अ वेहीकल तो ये बनेगा वाटर डिस्टेंपर या ऑयल डिस्टेंपर अगर ऑयल मिला रहे तो ऑयल डिस्टेंपर पानी मिला रहे तो वाटर डिस्टेंपर जनरली बहुत चीप हो जाते हैं ये इनका इसलिए यूज बहुत ज्यादा होता नहीं है अगर हम बात करें अनादर टाइप ऑफ पेंट दैट वी हैव इज दैट इज रेफर्ड एज द प्लास्टिक इमल्शन पेंट ध्यान का रखना है प्लास्टिक इमल्शन पेंट किससे बनेगा विनाइल ट और वाटर को दोनों को मिलाकर बनने वाला पेंट होता है प्लास्टिक इमल्शन पेंट एक होता है प्लास्टिक पेंट जहां पर पोलीविनाइल और हमारे पास मिलाकर बनाया जाता है हमारा प्लास्टिक पेंट तो यहां पर कवरिंग कैपिलिटी अच्छी खासी मिलती है दिखने वाला बहुत अच्छा होता है कॉस्टली भी होता है लेकिन जितने भी हमारे पास अच्छी जगहें होती है मॉडर्न होम्स होते हैं उन सब जगहों पर इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है यही पर अगर हम बात करें यह वही पेंट है जो कि हमारे पास और ज़्यादा हमारे लिए बेहतर बन जाते हैं तो इनमें कॉपाल्ट और मैंगनीज मिलाकर हम इनमें फिल्म फॉर्मिंग ड्रायर के रूप में यूज करते हुए हम इनको बेहतर तरीके से ड्राई कराने पर इनको ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट करा सकते हैं दे आर अल्कली रेजिस्टेंट एंड ड्राई इन फिफ्टीन मिनट एंड गेट्स हार्ड इन दी फोर आवर्स दे आर जनरली यूज ऑन प्रोसेस एंड वेट सर्फेसेस यूज़ वेट दर्फेसिस ठीक है इन जनरल पॉइंट पेंट सरफेस एरिया कवरिंग कैपेसिटी नौ से बारह मीटर स्क्वायर पर लीटर एंड विच कैन बी एवरेज टेन मीटर स्क्वायर पर लीटर के बराबर तो ये आप लोगों के लिए हमारे तरफ से एक इंफॉर्मेशन है कि आप और आप जैसे कई सारे स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन के दौरान कई बार बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हो इन कारणों से कि या तो आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए या आपको सही मोटिवेशन नहीं मिल पाता है या यू आर नॉट एबल टू स्टडी इन टू द राइट मैनर तो जब भी कोई स्टूडेंट ऐसे कुछ सवालों से घिरा होता है कि मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूं तो क्या करूं मैं एकदम फ्रेशर हूं तो व्हाट शुड आई डू अभी तक सिर्फ मैंने वाई से पढ़ा है तो कुछ भी मुझे ढंग से नहीं आता है या मुझे सारे ए और जेई के एग्जाम की, की प्रिपरेशन करना है लेकिन एक साथ करना है मुझे उसके लिए जो है वो बार बार तैयारी नहीं करना है मैं एक ही बार में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ एक ही कोर्स के साथ सारी चीजें एक साथ करना चाहता हूँ मैंने पहले कभी अच्छे से तैयारी नहीं की है इस बार करना चाहता हूं या मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाया और मैं इस बार जो है वो बिना किसी टाइम पास के अच्छे से पढ़ना चाहता हूं अगर ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में भी हैं और आप पढ़ना ही चाहते हैं सो वी एट ए सी वी हैव दोस्ट अफोर्डेबल मोस्ट लाइक्ड कोर्सेज बाय द स्टूडेंट्स जो कि स्टूडेंट बहुत बढ़िया तरीके से इन सारे के सारे कोर्सेस से अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर रहे हैं तो इंडिया में होने वाली ऑल जितनी भी जेई और एग्जाम हैं उनके अकॉर्डिंग सिलेबस को यहां पर कवर अप किया गया विजय बैच में जिसकी प्राइज आप देख पा रहे हैं विच इज वेरी मच लिमिटेड ठीक उसी प्रकार एस एस सी जेई जो दो हजार चौबीस में होने वाली है उसके लिए प्री और मेन्स का एक कंबाइंड बैच है हमारे पास जिसकी प्राइस आप देख पा रहे हैं टारेट करते हुए तो प्रहार बैच प्राइस है आर आर बी जई जिन लोग टारगेट करना चाहते हैं उसके लिए सीबीटी वन इज ऑलरेडी प्रिपेयर एनरोल कर सकते हैं इन टू दैच सिमिलरली नॉन टेक का जो महापेक है हमारे पास जिसमें कि सिर्फ नॉनटेक का ही सिलेबस कवर्ड है जिसका नॉन टेक वीक होता है वो भी यहां से पढ़ सकता है एट अ वेरी लिमिटेड प्राइस लेकिन आप में से कई सारे स्टूडेंट ना कि सिर्फ इस अकेले सवाल से जूझते हैं लेकिन कई सारे स्टूडेंट इस कैटेगरी में भी लाए करते हैं कि सर पढ़ तो लिया है बस सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्वेश्चन का सिलेक्शन गलत हो सकता है या फिर हो सकता है कि हमें चीज़ें उतने अच्छे लेवल पर नहीं आती क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो अगर अगर आप इस कैटेगरी में लाया करते हैं कि मुझे बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चाहिए या मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्या करूं या मुझे सब आता है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के लिए रिक्वायरमेंट है या मुझे डेली कनेक्टेड रहना है प्रिपरेशन से तो क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करूं तो उसके लिए हमारे पास एक और भी बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है इंडिया में होने वाली जितनी भी जेई और ए की एग्जाम्स होती हैं या सिर्फ जेई की एग्जाम की बात करें तो सिर्फ जेई की एग्जाम के लिए हमने एक अभ्यास जेई बैच लांच लॉन्च कर रखा है इसकी प्राइस बहुत लिमिटेड है और इसमें इंडिया के होने वाले सारी एग्जामों के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए हैं इंडिया में होने वाली जितनी भी एई और जेई की एग्जाम्स होती हैं इन एग्जामों के लिए हमने एक अभ्यास प्लस कर रखा है अभ्यास प्लस जिसकी आप देख पा रहे हैं, लेकिन आपका फोकस इंडिया के होने वाले सारी जेई को लेकर होगा कई सारे स्टूडेंट इस कैटेगरी में लाइक करते हैं कि सर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे खूब जब पिछले एग्जाम की तैयारी की थी पढ़ा भी खूब था इस बार थोड़ी दिक्कत आ रही है सर चार महीने से तैयारी नहीं किया हूं ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल चुका हूं अगर सब कुछ ऐसा भूला भूला सा लग रहा है सो आप इस कैटेगरी में लाया करते हो जहां पर आपने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन आप सिर्फ रिवाइज करना चाहते हैं या आप दो से तीन महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं बढ़िया तरीके से या फिर आप एक क्रैश कोर्स चाहते हैं क्विक रिवीजन के लिए या फिर आप जो है वो बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया तो रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे में हमारे पास एक और भी कोर्स अवेलेबल है आपके लिए विच इज बेसिकली फास्ट ट्रैक बैच और ये फास्ट ट्रैक बैच आपको कम समय में बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है तो एट अ वेरी लिमिटेड प्राइस आप इसमें भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं एंड अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं दिस इज द केस ऑफ डिफरेंट कोर्सेज आर इट इज अवेलेबल आप इस तरह से अपने मोबाइल ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं एसी प्लस जेई लाइव कोचिंग ठीक है चलिए तो अगला हमारे पास जो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो क्या है वार्निश डिफेक्ट्स इन पेंट्स वार्निश और डिस्टेंपर डिफेक्ट्स इन पेंट्स वॉर्निश एंड डिस्टेम्पर चलिए तो हमारे पास हमारे पेंट में डिफेक्ट क्यों आ सकता है तो डिफेक्ट आने के कई सारे चांसेस हैं या तो वर्कमैनशिप प्रॉपर मतलब या तो कंपोजिशन खराब हो या हमारे पास एनवायरमेंटल इम्फेक्ट खराब हो या फिर हमारे पास वर्कमैनशिप खराब हो ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं तो इम प्रॉपर कंपोजिशन या प्रपोशनिंग एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन इम प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द सरफेस या वर्कमैनशिप खराब हो ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं जिससे पेंट में डिफेक्ट आ सकता है सबसे पहला डिफेक्ट आप आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज बेसिकली रेफर्ड एज ब्लिस्टर या पीलिंग तो ब्लिस्टर या पीलिंग दोनों एक जैसे तरह के डिफेक्ट दिखाई देते हैं जो हमारा सरफेस है वो स्वेल करना चालू करता है इसके पीछे हमारे पास आइदर इफ इट इज ड्यू टू दी वॉटर कि वाटर पीछे आ गया और उससे सरफेस स्वेल कर रहा है तो वो कहलाता है हमारे पास जो वो पीलिंग और अगर पीछे कोई ऑयल या कोई भी हमारे पास मटेरियल तो है उसकी वजह से हमारे पास अगर ऐसा कोई सरफेस में स्वेलिंग आ रहा है तो उसे कहते हैं ब्लिस्टरिंग तो हमारे पास बबल लाइक शेप ऑफ द डिफेक्ट इसी को कहते हैं क्या ब्लिस्टरिंग स्वेलिंग ऑफ पेंटेड लेयर ड्यू टू ऑयल एंड ग्रीस हमारे पास ये ब्लिस्टरिंग कहलाता है अगर स्वेलिंग है हमारे पास मॉइस्चर की वजह से इसे कहते हैं पीलिंग तो हमारे पास ये किसके से होते हैं दोनों एडेशन की वजह से अंदर कोई मॉइस्चर आ गया तो एडेशन जो है वो लूज हो गया तो पेमेंट का हमारे पास लेयर जो है वो बाहर आना चालू हो गया हमारे पास यहां पर ये दोनों ही अगर करेंगे नॉन पोरस ऑयल बेस पेंट लेयर के अंदर अगर पोरस होता पानी बाहर आ जाता और हमारे पास हमारा पेंट लेयर यहां से निकलता नहीं ऑयल होता है एक फिल्म बना लेता है तो वो अंदर ही अंदर रेजिस्टेंस शो करता है तो अंदर अंदर पानी भरता रहता है और ये लेयर लेयर जो जो पेंट की है वो बाहर आना चालू हो जाती है दिस डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय इमल्शन पेंट किससे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको इमल्शन पेंट से प्रिवेंट कर सकते हैं अनदर वन दैट वी हैव इज द चेकिंग तो चेकिंग का मतलब होता है माइल्ड फॉर्म ऑफ क्रैकिंग जो कि दो तरीके से देखी जा सकती है अगर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा छोटा है छोटा छोटा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है तो इसे बेसिकली कहा जाता है हमारे पास क्रेजिंग लेकिन अगर एरिया ऑफ इंफ्लुस काफी बड़ा है तो इसे कहते हैं क्रोकोडाइलिंग तो हमारे पास क्रैकिंग जो है वो क्यों हो जा रही है क्योंकि यहां पर टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा पेंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो हमारा पेंट क्रैक कर जाएगा दे आर कॉज ड्यू टू द लैक इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों होता है ऐसा और वेन पेंट इज अप्लाइड इन द वेरी कोल्ड वेदर कोल्ड वेदर में अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो क्या होना चालू होगा कंप्लीटली हमारे पास जो है वो श्रिंक करना चालू करेगा एक्सट्रीम कोल्ड के से तो वो क्या करने चालू क्रैक करना चालू कर देगा हमारे पास यहां पर और ड्यू टू इनसफिशियंट ड्राइंग ऑफ द अंडर कोट अंडर कोट सूखा ही नहीं पहले पेंट लगा जाए वो सूख रहा है तो फिर वो धीरे धीरे खिंचाना चालू करेगा तो ऐसे में हमारे पास क्रैकिंग आ सकती है अगर हमारे पास हमारे पेंट के ये ऐसे फ्लैक्स निकल रहे हैं तो किसके वजह से निकल रहे हैं अंदर हमारे पास जो है वो एडेशन खत्म हो गया

तो ऐसे में हमारे पास पेंट जो है वो क्या करना चलूगा रिंकल करना चालू करता है व्हेन व्हेन पेंट फिल्म इज अप्लाइड वेरी थिक व्हिच आफ्टरवर्ड्स एंड श्रिंक्स रिजल्ट इन थिन डिफेक्ट इसी को कहते हैं क्या हमारे पास रिंकलिंग अगला जो दिखाई दे रहा है आपको पास ये है क्या हमारे पास चौकिंग भाई पेंट था लगाया था ऑयल कम रह गया तो बाइंडिंग अच्छी नहीं हुई तो वो जो सरफेस पे रब करते हैं ऐसे 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 रब करेंगे तो हाथ सफेद हो जाएगा तो वो क्या है वेन पेंट लेयर बिकम्स पाउडर ड्यू टू इन ऑयल इज इज एज चौकिंग हमारे पास अगला है एलिगेटरिंग तो एलिगेटरिंग में क्या हो जाता है एक पेंट लेयर के ऊपर दूसरी पेंट लेयर आसानी से जो है वो बाइंडिंग नहीं बना पाती आपस में फिसलना चालू करती है उसी को कहते हैं क्या एलिगेटरिंग डिफेक्ट वेन वन पेंट लेयर स्लाइड ओवर दी अनादर वेन हार्ड पेंट इज अप्लाइड ओवर दी सॉफ्ट पेंट और दी वाइस वर्षा इसी को कहा जाता है क्या एलिगेटरिंग

इसी कहते हैं क्या माइल्ड ड्यू अनादर वन इज फ्लैशिंग तो पुअर हमारे पास अगर हमने क्या आपको दिखाई दे रहा है फ्लैशिंग इमेज बहुत ज्यादा डार्क हो गई है तो जब भी हमारे पास हमारे पेंट पे पेंट में प्रॉपर कंपोजिशन मिक्स नहीं किया कहीं कहीं पर पेंट थोड़ा सा हमारे पास डल कलर का है और उसमें व्हाइट मिलाकर हम लगा रहे हैं उसे व्हाइटनेस अगर किसी वाले पोर्शन में ज्यादा आ गई किसी में कम आ गई तो कहीं कहीं पर ऐसे हमारे पास जो है वो थोड़े से ग्लॉसी पैचेस बनना चालू होते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता कहला है फ्लैशिंग कहलाता है इट इज ग्लॉसी पैचेस ऑन पेंटेड सरफेस आइदर ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ पेंट और ड्यू टू पुअर वर्कमैनशिप इसी को कहा जाता है क्या फ्लैशिंग हमारे पास अनादर वन हैव इज जब पेंट लगाते हैं तो पेंट लगाने पर पेंट के ऊपर हमारे पास सॉरी पेंट के पीछे जो लेयर थी वो लेयर अगर उसका कलर अभी भी दिखाई पड़ता है इसके बाद हमने पेंट की लेर बहुत पतली लगाई है और इसी को बेसिकली कहा जाता है क्या ग्रीनिंग ड्यू टू इम प्रॉपर ओपेसिटी ऑफ दी पेंटेड फाइबर सॉरी पेंटेड लेयर इफ फाइनल कॉट थिकनेस इज वेरी थिन बैकग्राउंड कलर इज इजीली सीन ये पुअर वर्कमेनशिप की वजह से होता है इसे कहते हैं ग्रीनिंग अगला जो डिफेक्ट है वो हमारे पास बन रहे हैं पिन होल्स

थोड़ा चिपचिपा टाइप का होता है पेंट लेयर या किसी भी लेयर के ऊपर लगाने पर उसका हमारे पास एक शाइनी देता है और उसकी जो है वो लाइफ को बढ़ाता है ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है यूज टू इनक्रीज लाइफ ऑफ पेंटेड सरफेस बाय अप्लाइंग ओवर देम और हमारे पास प्राइमर पेंटेड पेंट अंडर कोट फाइनल कोट और उसके ऊपर लगाया जाता है वार्निश वार्निश इंपार्ट ड्यूरेबिलिटी इन लाइफ टू पेंटेड लेयर जब भी हम बात करते हैं शाइनी अपीयरेंस देता है और हमारे पास पेंट के ऊपर वेयर एंड टीयर को बचाता है जो रेजिनस मटेरियल होता है हमारे पास ये अलग अलग कंडीशन से मिलता है से मिलेगा। तो यह एक ऑर्गेनिक लिक्विड होता है विच इज ऑप्टेन फ्रॉम ट्रीज और इंसेक्ट रेजिन इज ऑपटेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इन्हें या तो कोपाल रोजिन एम्बर और लैग और शलैक कह सकते हैं अलग अलग कंडीशन से मिलने पर अगर बात करें कि हम हमारे रेजिन के अंदर क्या मिलाएंगे तो एक वेहिकल या थिनर मटेरियल मिला देंगे जो कि इसे अच्छे से क्या कर सके अप्लाई करने की एबिलिटी बना सके तो दे आर यूज टू मेक द सो दो दे कैन रीच टू दी माइक्रोपोर्स ओवर दर्फेस इट इज अप्लाइड तो या तो लिंसिड ऑयल या डबल वन लिंसिड ऑयल टर्पेन्टाइन ऑयल वॉटर मिथालिटेट स्पिरिट या टंगस्टन ऑयल किसी भी चीज को मिलाकर हम इसे जो है वो ईजिली अप्लाई करने का जो है वो प्रोसेस बना सकते हैं ड्रायर क्या होते हैं एक्सेलरेट करते हैं ड्राइंग प्रोसेस को लिथाज रेडलेट और कोबाल्ट का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है अगला है वार्निश को कर सकते बेस रेजिन कंटेंट, तो हमारे पास यहां पर एक होता है रेफर्ड एज हमारे पास ऑयल वार्निश एक होता है हमारे पास वाटर वार्निश एक होता है हमारे पास रेफर्ड एज स्पिरिट uh, वार्निश और एक होता है हमारे पास टर्पेंटाइन वार्निश तो इनके अंदर जो सॉल्वेंट मिलाया जाता है ऑयल वार्निश में मिलाते हैं रॉ लिंसिड ऑयल या फिर डबल बॉइल्ड लिंसिड ऑयल मिलाते हैं वाटर वार्निश के अंदर मिलाया जाता है एस टू एस सॉल्वेंट स्पिरिट वार्निश में मिथाइलेटेड स्पिरिट मिलाया जाता है एस सॉल्वेंट और टर्पेंटाइन वॉर्निश में टर्पेंटाइन ऑयल मिलाया जाता है एज दी सॉल्वेंट जब हम इनको मिलाते हैं तो इनको मिलाने से हमारे पास जो इनकी प्रॉपर्टीज बनना चालू होती है ऑयल वॉर्निश हमारे पास हार्ड एंड ड्यूरेबल बनता है वाइडली यूज और बेस्ट होता है इफ यू टॉक अबाउट दॉटर वॉर्निश, तो वॉटर वॉर्निश हार्ड एंड ड्यूरेबल तो नहीं है लेकिन हमारे पास ये एक ग्लोसी सरफेस देने में काम में आता है और ये काम में आता है पेंटिंग ऑफ मैप्स सिमिलरली जब मिथाइलेटेड स्प्रिट की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक अच्छी पॉलिश के रूप में काम आता है पॉलिशिंग ऑफ फर्नीचर के काम में आता है लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है ये इजिली वॉश हो जाता है इजिली वॉश हो जाता है और इसी को फ्रेंच पॉलिश भी कहते हैं ठीक है सिमिलरली टॉक अबाउट द टर्पेंटाइन ऑयल तो यहां पर टर्पेंटाइन यूज होता है हमारे पास लेस ड्यूरेबल है ये और लीज प्रीफर्ड या फिर कह सकते हैं फॉर ऑर्डिनरी वर्क या फॉर इंफीरियर वर्क इन्फीरियर वर्क के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं देवेंदर बिशरिया थैंक यू वेरी मच देवेंदर आप किस बात के लिए थैंक यू कर रहे हैं अगला है हमारे पास रेफर्ड एज स्पार वार्निश प्लेट वार्निश और एस्फॉल्ट वार्निश तो ये ध्यान दो कि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस के ऊपर वार्निश लगा रहे हो अगर उस वार्निश में थोड़ी बहुत अमाउंट का आपके पास ग्लॉसी या शाइनी अपियरेंस मिलता है उसको अगर आप डल करना चाहते हो तो उसमें वैक्स मिला देते हो जैसे ही वैक्स मिलाते हो बन जाता है आपका फ्लैट वार्निश मटीरियल इज कॉल्ड एज फ्लैट जब हम वार्निश को इस्तेमाल करते हैं हमारे शिप के अलग अलग पार्ट के ऊपर लगाने के लिए ताकि हमारा जो आ, सी वॉटर है उसका इफेक्ट इनके ऊपर ज्यादा ना पड़े इसलिए उसे कहते हैं स्पार वॉर्निश टू द यूज ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस शिप

पेंट की जगह प्लास्टर वॉल सर्फेस पे लगाया जा सकता है बहुत खराब क्वालिटी होती है एज कम्पेयर टू दी पेंट तो हमारे पास यहाँ पर व्हाइट चौक को जनरली बेस और हॉट वाटर को जो है वो सोलवेंट के रूप में यूज करके इसको डिस्टेम्पर के रूप में यूज करते हैं इतने ही पॉइंट जो है वो ध्यान रखने की जरूरत है अगला जो हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारे पास बिटोमिन टार एंड एसफॉल्ट ठीक है चलिए तो बात करना चालू करते हैं हमारे पास वॉट डू वी टॉक अबाउटिन हमारे पास सिर्फ आज नहीं कई सालों से इस्तेमाल होते चले जा रहा है कई सालों से इस्तेमाल होते चले रहा है, मतलब क्या पहले पत्थरों को आपस में बांधे रखने के लिए बिल्डिंग के रूप में वाटर प्रूफिंग के रूप में एस्फाल्ट का यूज हुआ इफ यू टॉक अबाउट दी इजिप्ट इजिप्ट में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज होता था ये रोमन और ग्रीक ने इसे जो है वो आ, वेपन के रूप में यूज किया कहा पाया जाता है तो जमीन के अंदर एज अ फोजिल फ्यूल के रूप में सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं तो अगर हम बात करें यहां पर एक संस्कृत वर्ड बिटुमिन से आता है जिसका मतलब होता है नेटिव एस्फाल्ट एज अ फ्यूल हमारे पास ये कहां से मिलते हैं तो ये फोजिल फ्यूल या फोजिल के रूप में हमारे पास अवेलेबल है डेड एनिमल एंड प्लांट क्या है ये हमारे पास ये तो ये हाई मोलिकुलर हाइड्रोकार्बन्स मिथेन और नेपथेन एक्सेट्रा

सेपरेट वेरियस वेरियसिटाइल डायलिट एट डिफरेंट लेवल विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती मटेरियल की सिर्फ अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें निकलती चली जाती है अगर हम बात करें तो सरफेस अड़ सरफेस के नीचे जितना भी ऐसा क्रूड ऑयल फोजिल फ्यूल वगैरह मटेरियल होता है वो किसी फ्रैक्चर या क्रैक की वजह से अलग अलग चट्टानों में जा चला जाता है तो वहां पर हजारों सालों के अंदर उनके अंदर से क्रूड ऑयल के अंदर से ये सब चीजें अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन पर अलग हो जाती है और बच जाता है आखिरी का बिटुमिन कंटेंट और वो बिटुमिन कंटेंट वहां चट्टानों के अंदर नेचुरली उसके साथ मिनरल के साथ मिल जाता है और उसे अब नाम पड़ जाता है क्या नेचुरली अकरिंग बिटुमिनस मटेरियल फ्रॉम विच डिफरेंट वॉलिटाइल ऑयल एंड गैसेस आर रिमूव्ड

एक है कोयले में से कोक अलग कर लेते हैं कोयले में से कोल टार अलग कर लेते हैं कोयले में से कोल गैस अलग कर लेते हैं तो जो कोक होता है वही तो यूज होता है हमारे पास अलग अलग इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल इसे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कहते हैं टफ होता है पोरस होता है लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान जो ब्लैक लिक्विड बचता है उसी कोलटार कहते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन टू हंड्रेड ऑयल्स और वहीं पर हमारे पास इसके अंदर हम इसका इस्तेमाल कितनी जगहों पे करते हैं तो लुब्रिकेंट बनाने में सिंथेटिक डाइज बनाने में एक्सप्लोसिव बनाने में प्लास्टिक पेंट रोड बाइंडर कितनी चीजों में इस्तेमाल होता है और जो गैस निकलती है उसको फ्यूल के रूप में यूज कर लेते हैं यूज एज फ्यूल्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज सो दिस इज ऑफ अबाउट दिस पार्ट अगला बात करते हैं बिटोमिन टार और एस्वाल्ट की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज सर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम सलमान शेख बिल्कुल आ रहे हैं धीरे धीरे सारी चीजों पर चलते चले जा रहे हैं बिटुमिन और जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बना किसके हमारे पास क्रूड ऑयल और नेचुरल रॉक हमारे पास यहां पर इफ टार, तो हमारे पास हमारे कोल के से बनता है यहां पर हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं यहां पर एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं क्या फिनोलिक कंपाउंड्स तो फिनोल एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं इसलिए टार रहता है कलर जो है वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है है ब्राउन ब्राउन ब्लैक ब्लैक कोई अंतर नहीं चूकी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाने की वजह से इनके कंपोजिशन में इनकी सोलबिलिटी इफेक्ट हो जाती है दे आर सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये सोलबल होता है हमारे पास टोलुइन के अंदर आप डालोगे घोल दोगे घुल जाएगा अपना काम खत्म हो जाता है विस्कोसिटी के मामले में साफ दिखाई पड़ता है यह बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है तो हाईली विस्कस है और यह हमारे पास लोअर विस्कोसिटी का होता है। so है so है। जनरली जनरली बैन बैन का यूज नवीन हाउ कैन इट बी बैन ये हमारे पास यूज होता है तो अगली बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी टार की थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विटामिन और की हमारे पास बिटोमिन एस्फाल्ट की होती है नियर अबाउट वन के बराबर जब हम बात करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट पॉइंटर एट विच बिटुमिनार बिकम एंड वर्केबिलिटी बढ़ जाए तो हमारे पास यहां पर जो टेम्परेचर है वो है लगभग लगभग पैंतीस से सत्तर डिग्री जहां पे सॉफ्ट होना चालू करता है एंड दिस इज नियरली 48 एट तो टू फिफ्टी डिग्री जहां पर ये अपनी प्रॉपर्टी लूजन आउट करना चालू करता है फ्री कार्बन कंटेंट यहां पर बहुत कम होता है लेकिन यहां पर हमारे पास ज्यादा होता है इसी की वजह से डिफरेंसेस क्रिएट होना चालू होते हैं कहां पर एडेशन विथ एग्रीगेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हमारे पास फिनॉलिक कंपाउंड के होने की वजह से यहां पर हमें ज्यादा एडिशन देखने को मिलता है एग्रीगेट का इन द प्रेजेंस ऑफ दॉटर और यहां पर थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ज्यादा हमारे पास यही चलेंगे क्यों क्योंकि इनके अंदर हमारे पास कार्बन कंटेंट जो है वो कम है और ये हमारे पास जो है वो लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दॉलेटाइल मैटर जो इनके अंदर से तुरंत उड़ भी जाता है हमारे पास यहां पर यूजेस की बात करें तो ये पेमेंट कंस्ट्रक्शन में काम आता है और ये हमारे पास सरफेस ड्रेसिंग और पैच रिपेयर वर्क में काम आता है इफ यू टॉक अबाउट सम मोर प्रॉपर्टीज तो विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ हमारे पास क्या होना चालू होती है घटना चालू होती है

डक्टिलिटी का मतलब होता तो आगे के टेस्टिंग के दौरान तो पढ़ेंगे कि करते हैं ये हमारे पास temperature और composition पे करती है जितना ज्यादा हमारे पास टेम्परेचर uh, होगा, होगा उतनी ही ज्यादा डक्टिलिटी बढ़ेगी रेजिलेंस की बात करें तो शॉक और इंपैक्ट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी जो होती है हमारे बिटोविन की वो भी डिपेंड करती है इसके टेम्परेचर और कंपोजिशन के ऊपर इफ यू टॉक अबाउट फॉर्म्स ऑफ विटामिन में एक है हमारे पास कटबैक कटबैक क्या होता है जब आप विटामिन कंटेंट की विस्कोसिटी को रिड्यूस कराने की कोशिश करते हो सो दैट इसकी एप्लीकेबिलिटी बढ़े तो उसे बेसिकली कहा जाता है कटबैक जब आप किसी ऑर्गेनिक कंटेंट डायल्यूटेंट को मिलाकर हमें इसकी विस्कोसिटी कम कराई जाती है तो विस्कोसिटी ऑफ विटामिन इज रिड्यूस बाय एडिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक सी एस टू एंड सी सी एल फोर और हमारे पास इसके परसेंटेज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बेसिस पर इसकी प्यूरिटी जाता है तीन अलग अलग पार्ट्स में क्या होते हैं उनको बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट दी हार्डनिंग टाइम ऑफ तो दिन का जो हार्डनिंग टाइम होता है उसे कहते हैं ऑफ विटोम इसे तीन नाम से आना जा सकता है या स्लो हमारे पास अगर हमने विटोमिन में कोई सॉल्वेंट मिलाकर विस्कोसिटी कम कराई और फिर जो कहीं पर अप्लाई करने का जिसको हम सेट होने की एबिलिटी सोच रहे हैं कि कभी सूख जाएगा कभी सेट हो जाएगा अगर एक दिन में सेट हो रहा है स्लो क्यूरिंग कैसे बनता है ये गैसोलीन और नेपथा मिलाकर बनाया जाता है स्लो सॉरी रेपिड क्यूरिंग कटबैकिन डीजल और केरोसिन मिलाकर बनाया जाता है मीडियम क्यूरिंग कटबैक विटोमिन और अगर हम हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले ऑयल मिलाते हैं तो ये बनता है हमारे पास स्लो क्यूरिंग कटबैक बिटवीन जो कटबैक हमारे पास होता है इसके यूजेज है हमारे पास कोल्ड वेदर में हम इसको जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कोल्ड वेदर एप्लीकेशन इसका सबसे ज्यादा है इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी के बेसिस पर वेर ऑन विस्कोसिटी हम इसे आरसी जीरो से लेके आरसी फाइव तक कैटेगराइज करते हैं जैसे-जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारे पास कम होती चली जाएगी। तो हमारे पास यहां पर इफ यू टॉक अबाउट थैंक यू सर फॉर सॉल्विंग माय क्वेरी यानी फोकस इज द की टू सक्सेस ओके राहुल दैट्स फ़ाइन। तो इमल्शन अगला है हमारे पास इमल्शन और इमल्शन क्या होता है कि हम हमारे बिटोमिन के अंदर पानी मिलाते हैं लेकिन पानी विटोमिन के साथ मिक्स नहीं हो सकता तो ऐसे इमल्सिफायर मिलाते हैं जिससे कि हमारे पास हमारा विटोमिन और हमारा पानी दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ घुल सके इसी को बेसिकली कहा जाता है क्या इमल्शन तो फाइनली डिराइविटोमिन प्रेजेंट इन दिपेंडेड फॉर्म इन एन एक्व सोल्यूशन इज नोन एज इमल्शन और द एजेंट इज एडेड टू विटोमिन वॉटर और हमारे पास स्टेब्लिश स्टेब्लिशिंग एजेंट स्टेबलाइजिंग एजेंट ऑल्सो इमल्सिफिकेशन तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है तो वो बनेगा इमल्शन और इमल्शन हमारे पास इनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो है वो तीन तरीके से आर कैटेगराइज एज तो रेपिड सेटिंग इमलशन मीडियम सेटिंग इमल्शन और स्लो सेटिंग इमल्शन

यहाँ पर हो रहा है प्रीमिक्स का एप्लीकेशन यहाँ पर हमारे पास पैच रिपेयर वर्क हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास पूरा सरफेस ड्रेसिंग हो रही है तो अगली बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिटुमिन एक होता है रेफर्ड एस प्लास्टिक बिटुमिन तो अगर हम हमारे बिटुमिन के अंदर थिनर मटेरियल मिलाकर हमारे बिटुमिन को जो है हम आ, ऐसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं जहां पर कि वो एकदम माइक्रोपोर्स तक जाकर

जब आप बिटोमिन को इतना पतला करने के बाद पेपर की शीट के ऊपर अप्लाई करके इन शीट को रोल करके मार्केट में ले आते हो दिज आर बेसिकली रेफर पेपर या, या, फिर आप इसे कह सकते हो कि बिटुमिन शीट या फिर आपके पास पेपर बिटोमिन किस लिए काम में आता है रूफिंग को हमारे पास जो है वो लीकेज प्रूफ बनाने के काम में तो हमारे पास वाटर प्रूफिंग कहा जा सकता है थिन लेयर ऑफ बिटोमिन स्प्रेड ओवर द शीट ऑफ पेपर इज रेफर थे पेपर बिटोमिन अगला है मॉप बिटोमिन या फ्लग्स विटोमिन

हेल्प करता है अनादर वन दैट वे विदि पॉलीमराइज्ड बिटुमिन और दी प्लास्टराइज बिटुमिन बिटुमिन के अंदर पॉलीमराइज या पॉलीमर मिला देते हैं यस राहुल पीवाई क्यू का सिर्फ पीवाई क्यू का टाइम तो चला गया है अब सब पीवाई क्यू से नहीं एग्जाम निकल सकती इट इज मच मोर इंपोर्टेंट टू डाइव इनटू द डेप्थ सब्जेक्ट के अंदर उतरने की जरूरत है हर चीज को बारीकी से सोचने की जरूरत है ऊपर ऊपर से काम नहीं चल सकता अब वेरी गुड ये चीज समझ गए हो तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट तो अगला है हमारे पास पॉलिमराइज बिटोमिन याद प्लास्टिकाइज विटोमिन बिटुमिन के अंदर पॉलीमर मिला देने से इसकी प्रॉपर्टी को बढ़ा देने से हमारे पास जो है वो कहलाता है पॉलिमराइज विटोमिन इन दिस बिटोमिन इज मिक्स विद प्लास्टिक सच एज विद्लास्टिक सचेज द्लास्टोम इलास्टोम फॉर वॉटर प्रूफिंग ध्यान रखिएगा बिटोमिन का सबसे बड़ा पर्पज क्या हो जाता है वॉटर का अगला है हमारे पास टाइप्स ऑफ द तो टार टार तो मिल कहां से रहा है कोल से मिल रहा है तो कोल टार वुड से मिल रहा है तो वुड टार बिटुमिनस शेल से मिल रहा है जो कि जमीन में हमारे पास अवेलेबल होते हैं हैं उसे कहते मिनरल टार तो हमारे पास यही है जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है ये बनाना मुश्किल है तो इसको यूजली यूज बहुत कम करते हैं और ये हमारे पास मिलना ही बहुत मुश्किल है तो इसको यूज बहुत कम करते हैं अनादर वन दट वे इज़

अगर हमारे पास टार में हम कुछ और चीज मिला देते हैं तो हमारे पास वो क्या कहलाता है मिनरल टार कहला रहा है तो अब क्या क्या हो जा रहा है आपने टार ऑयल के साथ में आयरन स्लैग मिला दिया तो अब ये क्या बन गया इम्परवियस टू वॉटर एंड यूज इन रोड क्यों आयरन स्लैग क्या होता है आयरन के ओर से निकलने वाली इंप्यूरिटी को टार के साथ मिला के आप कहीं पर लगा दो बन जाएगा स्ट्रेंथ भी अच्छी और वाटरप्रूफिंग भी हो गई हमारे पास टार पेविंग लाइमस्टोन के साथ में कोल टार मिला दिया और बना दो पेवर ब्लॉक्स आपके पास ये आसानी से जो है वो यूज हो पाएंगे टार मैकेडम तो एनी रॉक या एनी रॉकी कोल टार मटेरियल व्हेन हीटेड एंड कूल डाउन बिफोर यूज इस कॉल्ड एज टार मैकेडम ये कहने का इसका तरीका होता है ठीक है अनादर वन इज एस्फाल्ट एस्फाल्ट और इसके टाइप जब हमारे पास एस्फाल्ट कहीं से नेचुरली मिलता है एज इट इज और हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है हां सलमान वो विस्कोसिटी के बेसिस पर है तो हमारे पास जब एस्फाल्ट को नेचुरली जहां से ऑप्टेन करते हैं उसमें कुछ और ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती एज इट इज यूज किया जा सकता है गर्म करने के बाद उसे कहते हैं क्या हमारे पास नेचुरल एस्फाल्ट या फिर नेटिव एस्फाल्ट तो हमारे पास नेचुरल मिक्स ऑफ इनर्ट तो मटेरियल इसी को एस्फाल्ट कहते हैं ये नेचुरली अकरिंग होता है अगर ये तालाबों में पाया जाएगा तो इसे लेक एस्फाल्ट कहते हैं अगर चट्टानों में पाया जाएगा तो रॉक एस्फाल्ट कहते हैं जहां पर मिल रहा है वहां से वो एज इट इज यूज किया जा रहा है उसे नेटिव एस्फाल्ट कहते हैं ध्यान रखिएगा यूज फॉर मेकिंग पेवमेंट वाटर प्रूफिंग स्टॉपिंग वाइब्रेशन इन द मशीन फाउंडेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मरीन ग्लू इन सब जगहों में इसका यूज हो जाता है यहां से कई बार सवाल आते हैं नेचुरल रॉक फॉर्मेशन में मिल रहा है तो रॉक एसफॉल्ट है लाइम और सैंडस्टोन में जनरली मिलता है हमारे पास ये और हमारे पास यहां पर इसकी क्वांटिटी 6 से 14 परसेंट के बराबर ही मिलती बाकी सब रॉकी मटेरियल होता है ठीक है अगला है रिफाइंड एस्फॉल्ट अगर आपने एस्फॉल्ट में से उसकी गंदगी हटा दी इंप्यूरिटी हटा दी तो विटोमिन का परसेंटेज बावन परसेंट इनऑर्गेनिक कंटेंट लगभग लगभग अड़तीस परसेंट और ऑर्गेनिक कंटेंट लगभग दस परसेंट के बराबर होता है उसी कहते हैं क्या

जो है ये जो ब्लोन बिटुमिन आपके पास बन रहा है विटुमिन की बाइंडिंग प्रॉपर्टी बढ़िया कर देने के बाद इसे जो है वो एक कंटेनर के अंदर प्लेस कर देने के बाद हमारे पास अब ये बाद में कभी गर्म करके यूज कर लिया जाए एक्जेक्टली exactly सेम हमारे पास जो है वो हमारा मास्टिक एसफॉल्ट है इट इज रीमोल्डेड फॉर यूसेज फर्दर ऑन द फील्ड इट टेबल वॉटर प्रूफ एंड नॉन इनफ्लेमेबल अगर आपने ऐसा कुछ प्रोसेस इसका करवा दिया तो अनादर वन इज सिंथेटिक मास्टिक एसफॉल्ट तो जो ये है ऐसा ही सिंथेटाइज बना दिया तो क्या कर दिया के के साथ में नॉन कंटेंट मिलाने बाद आप जो है वो इसको सिंथेटाइज मास्टिक एस्फॉल्ट बना सकते हो अनादर वन दैट वे इज द लिक्विड एस्फॉल्ट अगर एस्फॉल्ट आपके पास जो है क्या हो जाए विस्कोसिटी आप कम करा दो उसके बाद डिस्टिलेशन ऑफ द द विद क्रूड ऑयल 425 डिग्री सेल्सियस पर इसी कहते हैं लिक्विड एस्फॉल्ट कटबैक एस्फॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा परसेंटेज पूछ लेता है 80 परसेंट बिटोमिन होता और 20 परसेंट वॉलिटाइल सोलवेंट होता है उसी को क्या कहते हैं कटबैक एस्फॉल्ट आर्टिफिशियल एस्फॉल्ट ऐसा कुछ होता है नहीं मतलब हम यूज नहीं करते हैं लेकिन जब रेसिड्यू बचता है हमारे कोल टार का उसमें हम आयरन स्लेग मिलाकर चौक मिला देते हैं तो वो एक एस्फाल्ट की तरफ बिहेव करता है बस इतनी सी इसकी बात है टोटल मिलाकर ग्यारह करते हैं तो हमारे पास पेनेट्रेशन टेस्ट होती है किसमें होती है तो इसकी यूनिट लिखता हूं मैं एमएम के अंदर डक टेस्ट में हम डिलिटी उसको स्ट्रेच करते हैं वायर के फॉर्म में और पता करते हैं कितने सेंटीमीटर का वायर स्ट्रेच हुआ है टेस्ट के अंदर हम बेसिकली पता करते हैं कि कितने समय में हमारा कितना बिटुमिनस मटेरियल हमारा फ्लो कर गया तो यहां पर हमारे पास जो यूनिट होती, होती है वो होती है टाइम की यहां पे जो यूनिट होती है हमारे पास वो टाइम की यूनिट होती है फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट टेस्ट के अंदर हम बेसिकली यहां पर पता करते हैं हमारा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट मतलब यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की सल्फोनेशन इंडेक्स के अंदर हम जो है वो परसेंटेज ऑफ हमारे सब्सटेंसेस को पता करने की कोशिश करते हैं

पेनेट्रोमीटर की नीडल से पेनेट्रेट कराकर देखने की कोशिश करते हैं कितना पेनेट्रेट कर रहा होता है जितना ज्यादा पेनेट्रेट करेगा विटोमिन उतना सॉफ्ट है जितना जितना कम पेनेट्रेट करेगा बिटोमिन उतना ज्यादा ही हार्ड है तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस बताने की कोशिश की जाती है बाय दी हेल्प ऑफ दी पेनेट्रोमीटर टेस्ट और उसके बेसिस पे हम ग्रेडिंग बता पाते हैं हमारे विटोमिन की तो टू फाइंड आउट द ग्रेडिंग ऑफ द विटोम ग्रेडिंग ऑफ विटोमिनफर्स टू डिवाइडिंग द विटोमिन इनटू डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन दी सम सुटेबल पैरामीटर जो कि हमारे पास सॉफ्टनेस और हार्डनेस

इसे अगर हम तो ये हमारे पास कहलाती है ग्रेड ऑफ बिटोमिन जो वैल्यू आती है उसी को कहते हैं ग्रेड ऑफ तो हमारे पास जितना ज्यादा पेनिट्रेशन ऑफ नीडल होगा उतना ही सॉफ्टर हमारा सॉफ्ट होगा लेसर विल बी द ऑफ तो हमारे पास यहां पर पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है वो टार के लिए नहीं लगाया जाता क्योंकि टार वैसे ही बहुत पतला होता है बहुत ज्यादा पतला होता है पूरी नीडल पेनिट्रेट कर जाएगी हमारे पास टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ पाएगा पेनिट्रेशन वैल्यू बीस एम एम से कम होना मतलब बहुत हार्ड हो जाना मतलब हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा पुराना और क्रैक हो चुका है वेरी हार्ड एंड रेफर्ड एज पेनिट्रेशन की 30 mm से ऊपर ही होनी चाहिए और तीस mm से ऊपर होगी तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि समय के साथ, के साथ, हमारा विटोमिन अपनी प्लास्टिसिटी लूज होना चालू कर देता है फ्लूडिटी लूज करना चालू कर देता है तो धीरे धीरे क्या होना चालू करता है हार्ड होना चालू करता है तो ऑफ है जो bitumen,

पेविंग कहते हैं, VG 10, 20, 30, 40, से हमारे पास ये हार्डेस्ट और ये कहलाता है हमारे पास सॉफ्टेस्ट विटोमिन जिनकी पेनिट्रेशन वैल्यू अस्सी से सो है इसको विजी टेन भी कहते हैं ध्यान रखिएगा अगला जो टेस्ट है हमारे पास वो है डक्टिलिटी टेस्ट तो डक्टिलिटी टेस्ट में होता क्या है हम क्यों डक्टिलिटी से बहुत ज्यादा हम जो है वो कंसर्न है कंसर्न होने का कारण एक ही हो सकता है कि जब भी हमारे पास किसी एग्रीगेट के साथ में बना पड़ा रहेगा रोड में और लोड जैसे ही आएगा तो अगर की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं हुई तो लोड आएगा बिटोमिन दो एग्रीगेट के बीच में चिपका पड़ा है लोड जैसे आएगा बिटोमिन क्रैक करके अलग हो जाएगा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं हुई तो ये खेल खत्म अगर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी अच्छी हुई तो लोड आएगा थोड़ा सा एग्रीगेट नीचे जाएगा वापस अपना जगह पे आ जाएगा डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से यह अपना शेप रिगेन कर लेता है लोड अच्छे से लेने की क्षमता रखता है तो हमारे पास डक्टिलिटी रेफर टू द स्ट्रेच इन दम ऑफ वायर और हमारे पास इट मेजर्स द एबिलिटी टू स्ट्रेच और इट्स एडेसिव प्रॉपर्टी सो दैट दिटवीन ओनली डिस्टॉर्ट रेदर देन डिस्टॉर्ट रेदर देन फेल अंडर द लोड तो स्टैंडर्ड इस ब्रिकेट इस्तेमाल करते हैं रहता है वाटर बाथ के अंदर, के अंदर। और हम उसको स्ट्रेच करते चले जाते हैं तो जब स्ट्रेच करते हैं तो पुलिंग फोर्स लगाते हैं कि भाई हम एक मिनट में इसे पचास एम एम तक खींच सके तो हमारे पास जो भी एलोंगेशन प्रोड्यूस करता है इसे हम सेंटीमीटर में नोट डाउन करते हैं

और अगर इनके वेपर ने आग पकड़ ली तो फिर हमेशा ये हमारे पास जो है वो खतरनाक हो सकता है तो ऐसे केस में फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू टेस्ट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू किस करते हैं तो, तो क्लोज कप मार्टिन मार्टिनटस से करते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर की हमारा सब्सटेंस वोलेटाइल नेचर हमारे पास जो है वो फायर को आ, सेंटेंस थोड़ी गड़बड़ी है

हमारा जो विटोमिन है वो कितने टेम्परेचर पर सॉफ्ट हो सकता है उसी को बेसिकली हम यहाँ पर जो है वो जज करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास यहां पर यह हमारा एक कप अवेलेबल होता है इसके अंदर हम जो है वो विटमिन फिल कर देते हैं और बिटुमिनस मटेरियल कहाँ फिल करते हैं इस हमारे अंदर जो हमारे पास ये वाला जो हमारा नोब है इसके अंदर और विटोमिन फिल कर देने के बाद हम इस पानी के अंदर इसे फिल करते हैं जिस पानी का टेम्परेचर रखते हैं पचास डिग्री सेल्सियस के बराबर

हमारा विटमिन जो है वो ऊपर आ जाता है उस समय को नोट डाउन करते हैं और पता करते हैं कि कितने समय में हमारा ये फ्लोट सॉरी हमारा जो है फ्लोट के अंदर हमारा पानी आ जाता है सो दिस टेस्ट द इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दी कंसिस्टेंसी ऑफ विटुमिन और हमारे पास यहां पर इट इज कंडक्टेड ओनली वेन द डक्टिलिटी टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म फॉर सम विटुमिन विच आर बेसिकली सॉफ्ट इन नेचर ठीक है तो हमारे पास यहां पर कैसे इसको परफॉर्म कर रहे हैं पहले विटोमिन को पांच डिग्री सेल्सियस मेंटेन कराते हैं और फिर फ्लोट को ऊपर प्लेस कर देते हैं वाटर बाथ के अंदर जहां पर वाटर बाथ का टेम्परेचर पचास डिग्री सेल्सियस होता है फिर कुछ समय के बाद जब विटुमिन हमारे पास सॉफ्ट होकर ऊपर आना चालू करता है मतलब पानी ऊपर आना चालू करता है हम टाइम नोट डाउन कर लेते हैं फिनिश पॉइंट तक का और अब हम बताते हैं जितना ज्यादा टाइम लगा जितना ज्यादा टाइम लगा मतलब बिटोमिन आपका उतना ज्यादा स्टीफ है उतना ज्यादा कड़क है इट इंडिकेट्स स्टीफर द बिटुमिन

यहां पर हमारे पास लगा होता है एक ऑरिफिस दस एम mm का डायमीटर का यहां से बिटुमिन कंटेंट को नीचे गिरने देते हैं और 50 एम के फ्लास्क को भरने में कितना समय लग जाएगा अगर बिटुमिन बहुत पतला हुआ विस्कोसिटी बहुत कम हुई तो बहुत तेजी से भर जाएगा बहुत गाढ़ा हुआ तो बहुत धीरे धीरे भरेगा टाइम को नोट डाउन करना होता है कितने टाइम में भर जाएगा इट इज मेजर्ड बाई डिटरमाइनिंग द टाइम टेकन बाय पचास एम एल क्वांटिटी ऑफ बिटुविन बाइंडर टू फ्लो फ्रॉम अ कप थ्रू स्पेसिफाइड ऑरिफिस एट अवन

हमारे पास जितना भी हमने टेस्ट परफॉर्म किया है यहां पर हमारे पास जो हमें ध्यान रखे के चलना है इजनेस ऑफ फ्लो थ्रू ऑरिफिज या होल इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ टाइम तो अगर हमारे पास हमारे किसी बिटुमिनस मटेरियल की विस्कोसिटी बहुत कम हो जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो इतना पतला हो चुका है कि वो सिर्फ हमारे पास हमारे हमारे किसी एग्रीगेट एग्रीगेट के ऊपर सिर्फ लुब्रिकेशन करा सकता है और किसका कुछ भी नहीं हो सकता तो हमारे पास यहां पर में लीड टू ब्लीडिंग मतलब इतना पतला हो जाएगा कि वो सिर्फ लुब्रिकेशन करा सकता है और ब्लीड कर सकता है और अगर हमारे पास विस्कोसिटी कम हुई तो वो सिर्फ लुब्रिकेट करा पाएगा एग्रीगेट को लेकिन ब्लीड नहीं करेगा और हमारे पास अगर विस्कोसिटी ज्यादा हो गई तो ऐसे में हमारे पास बिटोमिन कैन रजिस्ट एफर्ट मतलब हमारे पास कॉम्पेक्टिव एफर्ट मतलब उसके ऊपर लोड आएगा तो लोड को आसानी से झेलने की क्षमता रखता है अगर हम बात करें यहां पर हमारे पास अनादर दैट टेस्ट द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट बिटोमिन कितने टेम्परेचर पर सॉफ्ट हो सकता है तो वी परफॉर्म द रिंग एंड बॉल एपरेटस रिंग एंड बॉल एपरेटस से हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट को जहां पर हम ये चेक करते हैं कि मिनिमम कितना टेम्परेचर जिसपे हमारा सॉफ्ट हो सकता है सो द द मिनिमम एट ऑप्टिमम वर्केबिलिटी फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ब्लेंडिंग प्लेसिंग एक्सेट्रा इसी को हम जो है वो पॉइंट ऑफ कहते हैं यहां पर हमारे पास इट इज इनडायरेक्ट टू चेक दी ऑफ और रिंग एंड बॉल एपरेटस से इसे परफॉर्म किया जाएगा जहां पर हमारे पास उट थ्री पॉइंट एट ग्राम ऑफ बॉल्स आर जो कि हमारे पास 9.6 नाइन पॉइंट तक की रिंग रिंग सॉरी बॉल्स होती हैं जो हमारे रिंग के थ्रू फॉल करती है तो जैसे ही हमने टेस्ट स्टार्ट किया हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर तो ये जो बिटुबिन सॉफ्ट होना चालू करते हैं बॉल नीचे गिर जाएगी ये जो 9.5 पॉइंट mm फाइव की बॉल होती है थ्री टू एट ग्राम तक की ये जैसे नीचे गिरती है हमारा एंड पॉइंट अचीव हो जाता है और हमारे पास यहां पर द एट बॉल फोल इन टू दी लोअर प्लेट ऑफ कंटेनर इज रिकॉर्डेड सॉफ्टनिंग पॉइंट तो अगर सॉफ्टनिंग पॉइंट बिटोमिन का अस्सी डिग्री से कम आता है पानी का इस्तेमाल करते हैं अस्सी डिग्री से ज्यादा आता है तो ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं हमारे पास जो हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटोमिन इंडिया में जो तीस चालीस की कैटेगरी में फॉल करता है इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट 50 से 60 डिग्री के बराबर आता है और जो सॉफ्टेस्ट ग्रेड हमारे बिटवीन का 180 से 200 वाला इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट हमारे पास लगभग लगभग 30 से 45 डिग्री के बराबर आता है हमें ध्यान रखना जरूरत है, है कि हमारे पास ये तो हमारे पास जो है जो यहां पर ये लिखा हुआ है दिस इज बेसिकली पैरामीटर ये अगले वाले टेस्ट का डाटा यहाँ पर गलती से मेंशन हो गया है। इसे यहां से हटा देते हैं चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारे पास यहां पर कमिंग ऑन टू द मोइस्चर कंटेंट टेस्ट ही बिटुमिन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट की बात आती है वो बिटुमिन के बाइंडिंग प्रॉपर्टी को अफेक्ट करना चालू करता है तो इट एडहेसिवनेस ऑफ परसेंटेज ऑफ

तो हमारे विटुमिन के अंदर ऐसा कितना मटेरियल है जो कि सोल्यूबल नहीं हो सकता जो सोल्यूबल नहीं हो सकता वो क्या है वो इनर्ट मटेरियल है तो हमारे पास हमने विटोमिन लिया दो ग्राम का इज मेड सोल्यूबल इन हंड्रेड एम एल ऑफ सोल्ट लाइक सी एस टू एन सीसीएल फोर और इन सोल रेसिडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं इन सोल्यूबल मटेरियल हमारे पास एक परसेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो ये हमारे विटोमिन की प्रॉपर्टी को खराब करना चालू कर देता है जो कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी है क्वालिटी है

हमारे फ्रैक्शनल डिस्लेशन के प्रोसेस की इनकी को इंडिकेट कर पाएंगे अगला है हमारे पास स्पॉट स्पॉट टेस्ट टेस्ट बताता है कि हमारा दिटोमिन एज के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा पुराना होकर क्रैक्ड विटुमिन तो नहीं हो गया है और हमारे पास हमारा विटुमिन बहुत ज्यादा नया होके हमारे पास अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है यह पता करने के लिए हम स्पॉट टेस्ट करते हैं मतलब क्वालिटी ऑफ विटुमिन बताने के लिए हमने दो ग्राम का विटोमिन लेके दस ग्राम इसे नेपथा मिलाते हैं और इसे फेब्रिक के ऊपर डाल देते हैं जब ये फैलना चालू करता है तो हमें इसकी कलर की यूनिफॉर्मिटी देखनी होती है इन स्पॉट ऑन दाइबर और पेपर इज ऑफ यूनिफॉर्म ब्राउन कलर ये बताता है गुड क्वालिटी ऑफ विटोमिन और अनक्रेक्ट विटोमिन लेकिन अगर हमारे पास जो फैब्रिक पे स्पॉट बनता है अगर वो डार्क ब्लैक कलर का बीच में आता है और धीरे धीरे बाहर आने पर वो पूरी तरीके से हमारे पास लाइट हो जाता है तो ये बताता है कि हमारे पास बेड क्वालिटी या ओवरबर्न या क्रैक्ड विटुमिन का इंडिकेशन है क्लियर है बात इतनी चलिए तो ये था हमारे पास हमारी कहानी अबाउट दी दिटुमिनस मटेरियल और यहीं पर हम पूर्ण विराम लेते हैं हमारे बीएमसी के हमारे मैराथन का कंप्लीट मैराथन हमारे पास तीन पार्ट में कंडक्ट हो चुका है एंड दिस इज वेयर द कंप्लीट बीएमसी एंड्स अगला जो मैराथन आएगा उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल सेक्शन पर अपने आप इंफॉर्मेशन सामने दिखने लगेगी तो जितने भी लोग तैयारी करना चाहते हो बढ़िया तरीके से बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो जो भी आपको इसमें से बैच सुटेबल लगता है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप इस किसी कैटेगरी में लाइक करते हो तो आपके लिए प्रैक्टिस बैचेस अवेलेबल है अगर आप इस किसी इस तरह के क्वेश्चनों से उलझे हुए हो तो आपके लिए फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है और अगर आप सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो वो भी एप्लीकेशन पर लाइव है आप उनको भी पढ़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं सो दिस इज वेयर